आमदनी 98 खर्चा रुपया। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के असासे बता दिए, सियासी जमातों की आमदनी कम और खर्चे बहुत ज्यादा, किस पार्टी का है कौन सा नंबर, आज हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं नया दिन, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफताब। आमदनी 98 खर्चा रुपया, हम और आप तो इस बात को रोते थे, लेकिन सियासी जमातों की बात करें तो वो रोते नहीं, उनसे तो सवाल करना पड़ता है ये हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने ये मामला उठा दिया है, इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात जारी कर दी हैं। यूँ तो आप और मैं बहुत कम सियासी जमातों को जानते हैं, यानी जो हमारे नज़र के सामने रहती हैं, लेकिन क्या आप भी जानते हैं 125 से ज़ायद सियासी जमातें जो रजिस्टर्ड हैं, उसमें से कितने लोग ऐवान में पहुंच पाते हैं, ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी, बट एनीवेज एक इतनी है जमातें तो उनकी बात तो करेंगे हम। पॉपुलैरिटी फैक्टर, फैक्टर छोड़िए, डजंट मैटर, लेकिन क्या इकोनॉमी फैक्टर पे, इकोनॉमी फैक्टर पे आ जाते हैं कि आमदनी कितनी है और खर्चा कितना है और किसकी आमदनी ज्यादा और किसका खर्चा ज्यादा। तहरीक इंसाफ हुकूमती जमात सबसे ज्यादा अमीर है जनाब, आमदन से जायद खर्चा करने की अगर बात करें तो नून लीग ये है इसमें सर फहरिस्त। तो हम शेर की टर्म यूज करते हैं बहादुरी के लिए, लेकिन यहाँ पर भी हम यूज कर लेते हैं कि नून लीग शेर निकली है, क्योंकि वो खर्चा कर रहे ना, वो शेर घबराने घबराने रहे इस बारे में। अच्छा जी, रिपोर्ट देखते हैं इस्लामाबाद से ज़ुल्क़रनैन इक़बाल की, फिर उसके ऊपर थोड़ी तफसील के साथ बात करेंगे। सियासी पार्टियों के असासे 2018-19 के दौरान क्या रहे, इलेक्शन कमीशन ने 82 जमातों का कच्चा चट्टा जारी कर दिया। एक साल में 9 करोड़ रुपए की कमी के बावजूद पीटीआई 22,53,00,000 रुपए मालियत के असासों के साथ अमीर तरीन, साल भर में तकरीबन 51 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। पार्टी चेयरमैन इमरान खान ने बयान हल्फी भी दिया कि ममनुआ ज़राए से जमात को कोई फंडिंग नहीं हुई। 4P वाली जाली जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के पास 16 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस, 1,35,00,000 रुपए का चंदा मिला, जबकि पी वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असासों की मालियत 70,16,000 रुपए, आमदन 57,00,000 और खर्च 2 करोड़ रुपए से जायद है। खर्चा रुपया के मामले में नून लीग शेर निकली, जिसके अखराजात हुए 20 करोड़ रुपए से जायद और इनकम हुई सिर्फ 1,55,00,000 रुपए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी 2,31,000 रुपए मालियत के साथ गरीब तरीन जमात है, शेख रशीद की अवामी मुस्लिम लीग के असासे सिर्फ 2,50,000 रुपए के, जबकि काफ लीग के असासों की मालियत 5 करोड़, MQM के पास 4,19,00,000 के असासे और जमात इस्लामी पाकिस्तान 90,18,000 रुपए के असासों की मालिक है। जनाब क्यों ना इसी सिलसिले में आज बात कर ली जाए और PMLN ही से बात कर ली जाए, तो PMLN रहनुमा तलाल चौधरी साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ये फरमाइएगा, इलेक्शन कमीशन, कमीशन के दो आदाद व शुमार हैं ना, ये बड़े दिलचस्प किस्म के हैं। ऐसा क्या हो गया कि नून लीग की आमदन कम है, खर्चे इस कदर ज़्यादा है, क्या खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कहाँ जा रहा है पार्टी का पैसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे पास तो जो पैसे हैं वो यकीनन वही हैं जो मुल्क के अंदर से हमारे पार्टी के कुछ लोग जो हमें पैसे मिलते हैं, मगर हमारी वो पार्टी तो है ही नहीं जो फॉरेन फंडिंग वाली है, जिसको अमेरिका से भी पैसे आते हों, जिसको बरतानिया से भी आते हों, जिसको इसराइल से और इंडिया से भी फंडिंग मिलती हो। और ये जो फॉरेन फंडिंग का केस है ये बड़ा अहम है, ये तमाम मालूमात जो कि इलेक्शन कमीशन इकट्ठी करता है तमाम जमातों से, ये उस वक़्त तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं है और ये एक टेस्ट केस है जब तक के तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं होता, क्योंकि इन अदादो शुमार लेने का तो कोई फ़ायदा नहीं अगर यही किसी नहीं देखना कि ये पैसे जो हैं ये जायज़ तरीके से इकट्ठे हुए हैं या नाजायज़ तरीके से इकट्ठे हुए हैं। और तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग केस जो है वो एक एग्जाम्पल बनाने की ज़रूरत है ऐसी जमातों को जो नजायज़ तरीके से पैसे इकट्ठे करती हैं, जो मुल्क से बाहर से फंडिंग लेती हैं, जो पाकिस्तान के कानून के ख़िलाफ़ है। खान साहब तो हमेशा कहते थे भई अगर कुछ किया नहीं तो तलाशी दे दें, तो खान साहब अपनी तलाशी, अपनी जमात की तलाशी क्यों नहीं दे रहे, क्यों बार 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 स्टे और बार बार डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। BRT का पूछ लें, वो पेशावर मेट्रो का, उसका स्टे ले लेते हैं, इधर आप अब पार्टी फंडिंग का पूछ लें, उसका स्टे क्यों भाई, क्योंकि इन्हीं पैसों से सिर्फ पार्टी नहीं चली, धरने भी हुए हैं, सिर्फ धरने नहीं हुए,
अलीमा खान के क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज़ भी बनी हैं, बनी गाला का किचन भी चला है, वो बाकी तमाम ज़ाती अखराजात भी हुए हैं और इन पैसों से मनी लॉन्ड्रिंग भी की गई है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने, बड़े बड़े लोगों ने बाहर से यहाँ पैसे भेजकर और यहाँ और इस पार्टी के अकाउंट्स को गलत इस्तेमाल किया है। सो पार्टी अकाउंट्स को लेना ये इलेक्शन कमीशन की एक जिम्मेदारी है, मगर दूसरी जिम्मेदारी ये है कि वो इसमें से जायज़ और नाजायज़ तरीके से जिन पार्टियों ने पैसे इकट्ठे किए उसका भी फैसला करे और उसको भी सजा दे। हमारे पास जो अकाउंट्स हैं, हमारे पास जो पैसे हैं, हम हमेशा बताते रहे और अल्लाह का शुक्र है हमने कभी नाजायज़ तरीके से पार्टी के फंड्स इकट्ठे नहीं किए। तलाल साहब आपकी तस्दीक कर देता हूं, आपने कहा फॉरेन फंडिंग गैर कानूनी है, फॉरेन फंडिंग गैर कानूनी नहीं। अगर आप ममनुआ ज़राए की टर्म इस्तेमाल करेंगे तो फिर मैं आपके साथ हूं, अदरवाइज तो सर ये आप हेर फेर कर रहे हैं लफ्ज़ों का। लेकिन चलिए सर, ये तो अखराजात की बात है और जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि फंडिंग होती है और आप कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग होती है, सर सबूत देने चाहिए फिर तो आपकी जमात को। बट मुझे सिर्फ और सिर्फ अभी इनकम से मुतालिक जवाब दे दीजिए कि आखिर ये एक पार्टी की इनकम कैसे होती है, आइदर पार्टी सपोर्टर्स फंड जमा कराते हैं या कोई रजिस्ट्रेशन फीस होती है जो कि आमदन का जरिया बनती है, या फिर सेनेटर बनने के लिए पैसे जो मिलते हैं वो भी पार्टी में आ जाते हैं। देखिए मुख्तलिफ पार्टीज में मुख्तलिफ तरीके से फंड रेजिंग होती है। कई जगह पर पार्टी के कारकुनों को आप एक फीस के तौर पर जब वो मेंबरशिप लेते हैं तो उनसे पैसे ले लिए जाते हैं के, और इसी तरह जमातों में जब किसी टिकट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए फ़ीस ली जाती है। तो इसी तरह अगर किसी ने अपनी जमात को डोनेट करने हो पैसे तो उसका भी तरीकाकार दिया गया है और इसी तरह वो पैसे पार्टीज़ को मिलते हैं। और ये तमाम के तमाम जो तरीकाकार है वो आपको तमाम पैसे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को बताना होते हैं, उस तमाम अकाउंट्स का एक ऑडिट करवाना होता है और ऑडिट करवाने के बाद जो जमात का सरबरा है उसको एक एफिडेविट देना होता है जिस एफिडेविट में वो ये बताता है कि ये ऑडिटेड अकाउंट है कोई और पैसे जायज़ तरीके से कानूनी तरीके से जो पाकिस्तान का कानून है उसके मुताबिक इकट्ठे किए गए हैं या लिए गए हैं। और वही सर्टिफिकेट जो है उसी बुनियाद पर फिर सिंबल की अलॉटमेंट आपको होती है, यानी कि जो आपका सिंबल है या आप उस इलेक्शन में जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं और पार्टी में। फिलहाल सर वैसे आपकी इस बात में जवाब भी आगे किरण, जिस तरह उन्होंने खुद कहा कि एफिडेविट देना, तो खान साहब ने एफिडेविट दिया है कि ममनुआ राय से जो फंडिंग ऐसी नहीं हो रही है, एफिडेविट जमा करा चुके हैं। अच्छा जी, वो जमा करा चुके हैं, खबर अभी भी इन सवालों के बावजूद वहीं पे कहाँ हो रहे हैं, हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया तलाल साहब, आप हमारे साथ थे। तो बात ये जी कि अगर इलेक्शन की जानिब से ये बात आए कि सियासी जमातों की आमदनी कम और खर्चे ज़्यादा हैं और इसकी तफसीलात तो ये हैं, तो मैं और आप तो ये सोचेंगे ना कि ये हमारा और आपका किचन तो है नहीं कि किसी से कर्ज लिया होगा, उधार लिया होगा और फिर खर्चा किया होगा। इसीलिए बड़ा क्वेश्चन इस सिचुएशन में इन्हीं के ऊपर है, सियासी जमातों की आमदनी और इनके खर्चे, आखिर पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। और अरकान असेंबली क्या ये भी वो लोग होते हैं जो पार्टी फंड्स को इस्तेमाल करते हैं? जब हमने यही सवाल किया अरकान असेंबली से तो फिर उनके जवाब रहे क्या क्या, आइए देखिए। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की आमदन और अखराजात से मुतालिक तफसीलात जारी की हैं। सियासी जमातों की आमदन कम और अखराजात ज्यादा हैं, आखिर ये पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, आइए अरकान पार्लियामेंट से ही जानते हैं। मैं क्या कह सकता हूँ कि पार्टी के असासे तो जाहिर है, जब आप इलेक्शन के बाद आगे जाते हैं तो इलेक्शन पे ऑपरेशन पे आपकी स्पेंडिंग होती है। अब पार्टी के असासे अगर कम हुए हैं तो देखना होगा कि किन चीज़ों की वजह से कम हुए हैं। कमी का है, इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस देना चाहिए। आप देख लें 44 अरब रुपये गुज़िश्ता 2018 के इलेक्शन पर सियासी जमातों ने खर्च किया, ये कहाँ से आए? जवाब ही नहीं दे रहे, PTI तो जवाब नहीं देती, 18 उनके अकाउंट्स हैं, वो इलेक्शन कमीशन का जवाब नहीं देते, 8 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। रिस्पेक्टेबल पार्टीज है सारी, अगर किसी ने कई कोई नेगेटिविटी आती है तो अगर उसका देखा जा सकता है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, लेकिन बगैर तहकीक के किसी को दो नंबरी कहना ठीक। आमदन कम और अखराजात ज्यादा का मामला, जाले हों खिलाड़ी या मतवाले, इस तजाद पर सभी मोहतात रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं। नूरुल अमीन दानिश, पार्लियामेंट हाउस, समा, इस्लामाबाद।
چلیے آگے بڑھتے ہیں, کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں. اچھی بات کی تھی, سب ریپیوٹڈ ہیں, ایسی الزام نہ لگائیں کسی کے اوپر, یہ دورانا بنتا تھا. ایگزیکٹلی, اور واقعی کرن جب الزام کی بات ہو پھر الزام ایسا لگائیں کہ پھر آپ ثبوت بھی فراہم کریں, اسے پھر ایٹ لیسٹ منطقی انجام تک پہنچائیں, پھر 6-8-10 سال ایک ہی بات کو نہ پیٹیں. عوام بھی بور ہوتے ہیں اور یقین جانیے ہم بھی بور ہو جاتے ہیں. اینی ویز, اگر آپ ہو رہے ہیں بور ان پولیٹیکل خبروں سے تو آپ کے لیے اور بھی خبریں ہمارے پاس, لیکن اس میں میرا پولیٹیکل ٹچ آ ہی جاتا ہے کیونکہ پولیٹیکل پرسنالٹیز سے جڑی وہ خبریں ہوتی ہیں. اینی ویز, وزیر اعظم عمران خان کی بات ہی کر رہے ہیں کہ ان سے ویسٹ انڈیز کے سابق کپتان سر رچی رچرڈسن اور سابق کیوی بالر ڈینیل موریسن نے ملاقات کی ہے. رچی رچرڈسن نے عمران خان سے سوال کیا کہ وزیر اعظم بن کر بھی آپ اتنے پرسکون ہیں, تو عمران خان نے کہا کہ گھبراتا نہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جو اسپورٹس مین ہوتا ہے, جو اسپورٹس مین اسپرٹ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے پوری ایک آپ کی روٹین ہوتی ہے, وہ آپ کو کبھی بھی دباؤ لینے نہیں دیتی, یا کہنا چاہیے دباؤ برداشت کرنے کی عادت ڈالتی ہے. ایگزیکٹلی, اور آپ اسٹریس کے عالم میں بھی سکون سے رہ سکتے ہیں. اپنے کریئر میں بھی دباؤ برداشت کیا عمران خان نے یہ کہا, اور انہوں نے یہ کہا کہ اسی لیے وہ کامیاب رہے. جب یہ لوگ مل بیٹھے نا, ڈائریکٹر انٹرنیشنل ذاکر خان اور رمیز راجہ, یہ بھی اس ملاقات میں, اس بیٹھک میں شریک تھے. سابق کرکٹرز ورلڈ کپ 1992 اس کی یادوں کا تذکرہ کرتے رہے, اور اس کے علاوہ بھی جو ان کی یادیں تھیں اس کے بارے میں بات کرتے رہے, اپنے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے رہے. پرانا وقت لوٹ کر آیا اس بیٹھک میں, اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. عمران خان ویسٹ انڈیز کرکٹ کے زوال پر بھی بات کر رہے تھے ان سے, یہ بھی معلوم ہوا. تو کچھ ہم پکچرز آپ کو دکھا رہے ہیں اس بارے میں بھی, اور جناب ملاقات دلچسپ تھی. پرسکون کیسے رہنا ہے یہ بھی پتہ چلا. اچھا, آپ نے ملاقات دلچسپ کی بات تو کر دی, میں اگلی خبر پہ ہنس رہا ہوں تھوڑا سا, کیونکہ آپ بھی مسکرائے بغیر رہ نہیں سکیں. حالانکہ سکون غارت ہوا کس کا, اب ہم یہ بات کریں گے, کسی کی پٹائی ہوئی, لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا مسکرا سکتے ہیں, اجازت ہے. تیسری شادی کرنا کس کو پڑا مہنگا, یہ ہے کراچی کے صاحب جن کو یہ نہیں معلوم کہ قانونی حق ہے لیکن وہ اس کا طریقہ کار طے ہے. آپ کو اجازت لینی ہوتی ہے پہلی بیوی سے, لیکن یہاں پر تو پہلی سے بھی اور دوسری سے بھی اجازت لینی چاہیے تھی, نہیں لینے اجازت, اسی لیے پہلی بیگم پہنچ گئیں ولیمے کی تقریب میں اور پھر وہ ٹھکائی کی, وہ بھاگ کے گھر بس کے نیچے جا کے چھپ گئے. اچھا, لیکن آرڈر جو ہے نا وہ کچھ ویسے ہی رہا, یعنی آگے آگے دولہا ہوتا ہے, پیچھے باراتی ہوتے, پھر بینڈ باجا ہوتا ہے, یا بینڈ باجا تھوڑا آگے آ گیا تھا لیکن باقی پلیسز بینڈ پہلے بچ گیا تھا. سعد صابری کی رپورٹ دیکھتے ہیں. اچھا جی, ایک ڈیولپمنٹ ہے اور ابھی اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ اسے ڈیولپمنٹ کہیں گے یا تنزلی کہیں گے یا سسٹم کے اوپر ایک چیک کہیں گے یا پھر کیا کہیں گے. آج ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ویب ٹی وی اور آن لائن میڈیا, اس کو ریگولیٹ کرنے کا ذکر ہو رہا ہے, خاصی اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے. گزشتہ روز انسانی حقوق کے اجلاس میں ایک بار پھر یہ معاملہ اٹھا, اور اس میں چیئرمین کمیٹی نے بتایا کہ پیمرا ویب ٹی وی کو ریگولیٹ کرنا چاہتا ہے. چیئرمین پیمرا سلیم بیگ نے جواب دیا کہ تجاویز کے لیے ورکنگ پیپر بنایا ہے, ویب ٹی وی کا کوئی کوڈ آف کانڈکٹ نہیں ہے. ویب ٹی وی زیادہ تر بلیک میلنگ کے زمرے میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ مائک لے کر گھس جاتے ہیں کسی بھی ادارے کے اندر, اور اسی لیے اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ویب ٹی وی گزشتہ 2 سال میں $20 کروڑ کا زر مبادلہ لے کر چلا گیا. 90% لوگوں کی شکایات ہیں کہ مائک لے کر زبردستی گھس جاتے ہیں, ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. لیکن یہ معاملہ رکا کب, جب کمیٹی اراکین کی رائے آئی سامنے اور قائمہ کمیٹی نے پیمرا کو سوشل میڈیا ریگولیٹ کرنے سے روک دیا. بٹ دا کوشچن سٹیز ویلڈ, آخر آئے روز یہ ڈسکشن کیوں ہوتی ہے, ریگولیٹ کرنے کی خبریں کیوں آتی ہیں؟ اچھا, اس میں یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ یہ سارے کے سارے فیکٹرز اپنی جگہ, لیکن بعض باتیں, بعض خبریں سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد میں دیگر میڈیا تک پہنچتی ہیں, ٹیلی ویژن تک پہنچتی ہیں, یا یوں کہا جائے کہ وہاں پہ بہت زیادہ کھل کر کام ہو رہا ہے, اور کہیں کہیں پر یہ دیکھا گیا کہ بہت بہتر کام بھی ہوا ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہاں پر اس وہ جو یہ فیکٹرز انہوں نے گنوائے نا, یہ سارے کے سارے بہت ہائی لائٹڈ ہیں, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کلی طور سے بے لگام ہے. یہاں پر آزادی کا استعمال ہے اور آزادی دیکھنے کو مل جاتی ہے بہت سارے معاملات میں. تو جناب, آج ہم اسی کے اوپر خاص طور سے بات کریں گے. ہمارا ساتھ دیں گی چیئر پرسن ڈیجیٹل رائٹس, ہمارے ساتھ ہیں نگہت داد. نگہت, بہت شکریہ آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں اس سلسلے میں, ویلکم ٹو نیا دن. یہ فرمائیے گا, یہ ویب ٹی وی سے متعلق شکایات کون جمع کروا رہا ہے, اور کیا واقعی ایسا ہے کہ اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے؟
بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ اس امپورٹنٹ موضوع پہ بات کر رہے ہیں جو کہ اتنی زیادہ بات نہیں ہوئی. یہ پیمرا جو ہے پہلے بھی کچھ مہینے پہلے بھی ایک اور ریگولیشن کے نام سے انٹرنیٹ کا جو کانٹینٹ ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کی ان کی کوشش تھی, لیکن اس میں جو اس وقت بھی کافی زیادہ لوگوں نے اس پہ احتجاج کیا اور وہ انہوں نے وہ اپنا جو ایک مسودہ تھا یا جو بھی ان کا پروپوزل تھا انہوں نے واپس لے لیا. اب دوبارہ سے انہوں نے یہ ویب ٹی وی اور او ٹی ٹی کانٹینٹ ٹی وی کے نام سے ایک پیپر جو ہے وہ نکالا. پیپر نہیں ہے یہ, بیسیکلی ریگولیشن ہے, وہ اس کو پیپر کہہ رہے ہیں. او ٹی ٹی کیا ہوتا ہے؟ یہ جی ویڈیو آن ڈیمانڈ کانٹینٹ ہوتا ہے جو کہ جیسے ہم نیٹ فلکس استعمال کرتے ہیں یا جو کہ ہم لوگ خود جا کے ٹی وی پہ براؤز کرتے ہیں, انٹرنیٹ پہ براؤز کرتے ہیں کانٹینٹ. وہ ٹی وی چینلز کی طرح جیسے ہم کوئی بھی ٹی وی چینل ریموٹ کنٹرول سے کرتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے, ایسے نہیں ہوتا ہے. ویڈیو آن ڈیمانڈ ہے کہ آپ باقاعدہ, آپ کو پتا ہے کہ یہ سرٹن کانٹینٹ یہاں پہ موجود ہے اور آپ جا کے اس کو جو ہے وہ ایکسس کرتے ہیں. تو اس پہ جب یہ ساری ڈسکشن ہوئی تو جو ریگولیشن ہم لوگوں نے دیکھی اس میں, ٹھیک ہے نگت آپ ساتھ موجود ہیں, آپ کی آواز ہم تک ٹھیک سے آ نہیں رہی, دوبارہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں تاکہ آپ کنٹینیو کر سکیں. اور جس طرح ابھی تک آپ نے بتایا کہ جو ورکنگ پیپر آیا اس میں ویڈیو آن ڈیمانڈ سے متعلق بھی بات ہے, اس میں ویب ٹی وی سے متعلق بھی بات ہے, لیکن ہم سمجھنا چاہیں گے ضرور آگے کہ کتنا کیا ڈفرینس ہے ایک یوٹیوبر اور یہ ویڈیو آن ڈیمانڈ یا ویب ٹی وی, اور اصل میں جو ورکنگ پیپر ہے یا اصل میں تجاویز جو ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ اچھا وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک سادہ سا پیپر نہیں ہے, اٹس ناٹ پیپر, یہ تو ریگولیٹ ہی کرنے والی بات ہے. نگت ہمارے ساتھ ہیں, آواز آ رہی ہے آپ کو ہماری؟ جی بالکل. جی 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 آپ پلیز کنٹینیو کیجیے. یہ باقاعدہ ریگولیشن ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ پیمرا جو ہے وہ اب آن لائن کانٹینٹ کو بھی ریگولیٹ کرے گا. ریگولیشن کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ جن کے یوٹیوب چینلز ہیں یا جو صحافی یہاں پہ اپنی چھوٹے انہوں نے آن لائن طریقے سے وہ اپنی خبریں پہنچاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے کچھ پیسے بھی بناتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس یوٹیوبرز ایک لمبی فہرست ہے جو کہ بہت زیادہ یوٹیوب کا کانٹینٹ جنریٹ کرتے ہیں اور وہ ایک کمرشل پرپزز کے لیے بھی ہوتا ہے اور اسے پیسے وہ جو ہے وہ ارن کرتے ہیں. تو یہ جب یہ اگر ریگولیشن مثال کے طور پہ آ جاتی تو اس میں یہ ہوتا کہ ان پہ جو یہ چینلز آن لائن چلا رہے ہیں یوٹیوب کے ذریعے, کسی بھی آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے, ان کو ایک لائسنس فی دینی پڑتی ہے. اور وہ لائسنس فی بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی ایک ٹی وی چینل کو اپنا ٹی وی چینل چلانے کے لیے دینی پڑتی ہے, اور وہ 50 لاکھ 1 کروڑ اس طریقے سے. اور اس کو جب ہم نے دیکھا تو وہ انتہائی, مطلب ایک تو سب سے بڑی بات جو کہ ٹیکنیکلی اور لیگلی ٹھیک ہے, وہ یہ کہ پیمرا کا جو قانون ہے, ایکٹ, پیمرا کا جو آرڈیننس ہے, اس میں پیمرا کے پاس اختیار نہیں ہے انٹرنیٹ کے اوپر کوئی بھی ریگولیشن یا کوئی بھی پالیسی یا لا بنانے کا. تو یہ بات یہاں پہ ہی ختم ہو جاتی ہے. اور یہ اس کی مثال, یہ ان ریگولیشنز کی, یہ جتنی بھی پوائنٹرز ہیں ان کی مثال ملتی ہے دنیا میں کہیں اور؟ ایسا ہوتا ہے یا یہ صرف ہمارے ہوں گے؟ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس کی مثال کہیں نہیں ملتی سوائے چائنا کے. اور تو باقی جتنے ممالک ہیں, ایون ہمارے ریجن میں بھی, ملیشیا لے لیں یا آپ سنگاپور لے لیں, وہاں پہ بھی کوڈ آف کنڈکٹ ہے, لیکن کوئی بھی اتھارٹی وہاں کی چارج نہیں کرتی, لائسنس بھی چارج نہیں کرتی اتنی زیادہ. تو جو اس طرح کا پروپوزل تھا اور جو انہوں نے بات کہی کہ بالکل ہی آن لائن میڈیا بے لگام ہے, یہ انتہائی غلط بات ہے, کیونکہ قوانین تو موجود ہیں. آپ کا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ, ایک بات آپ کی کٹ رہی ہے, سوری آپ کی بات کٹ رہی ہے, اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کیجیے گا. اگر یہ سارے ریگولیشنز آ جاتے ہیں تو سب سے زیادہ متاثر کون ہوگا؟ وہ جرنلسٹ کے جو, جیسا انہوں نے کہا بھی کہ وہ مائک لیتے ہیں اور کسی سے بھی پوچھنے لگتے ہیں جس سے سوال کر رہے ہیں, وہ چاہے کوئی اتھارٹی ہو چاہے عام آدمی ہو, کہتا رہ جاتا ہے مجھے جواب نہیں دینا.
वो मुतासिर होगा या वो इन्फ्लुएंसर्स जो आते हैं अपना कंटेंट लेके और वो उसके बाद में अपना नाम बनाते हैं, अपने फॉलोअर्स बनाते हैं, वाकई उनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा होता है, सबसे ज्यादा कौन मुतासिर होगा? यही लोग होंगे, सब मुतासिर होंगे, जो ऑनलाइन मौजूद हैं वो सब मुतासिर होंगे, सिर्फ वही लोग जो कि अपने कॉन्टेंट से कोई इनकम जनरेट नहीं कर रहे उन पे कोई असर नहीं होगा। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप रेगुलेशंस बनाते हैं तो उसमें आप सिर्फ उस कंटेंट को फिर नहीं देखेंगे कि वो सिर्फ लाइसेंस के लिए हमारे पास है, बल्कि ये भी कहेंगे कि कंटेंट जो है ये पैमरा की नजर में इलीगल कंटेंट है। अभी भी आप देखें तो टीवी चैनल्स को फाइन पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा निगत, एक जुमले में ये भी बता दीजिएगा, अगर अगर हम चले मान लेते हैं कि दोबारा भी वो बहस होती है, दोबारा वर्किंग पेपर आता है, दोबारा उस पर कोई काम होता है, वो यूट्यूबर्स, वो इन्फ्लुएंसर्स, वो लोग जो के कंटेंट जनरेट करते हैं वो पाकिस्तान में बैठ के नहीं करते, पाकिस्तान से बाहर बैठ के, पाकिस्तान की बात करें, यहाँ से कंटेंट बाहर जाए वहां से अपलोड हो जाए, फिर कैसे पैमरा रेगुलेट करेगा? एग्जैक्टली, तो ये भी क्वेश्चन कल रेज हुआ था कि वो फिर कैसे करेगा, तो फिर वो नहीं कर सकता। ओके, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ पाकिस्तान की डिजिटल इकोनॉमी को खतरे में डाल रहे हैं। यानी निगत, आपको लगता है कि ये मामला सिर्फ इस तरह से सामने आ रहा है कि वो दिखा कुछ रहे हैं, बता कुछ रहे हैं, असल में उनको पैसा चाहिए, वो चाहे लाइसेंस की मद में मिले या चाहे किसी और मद में मिले? देखिए, दो इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि आप लाइसेंस की मद में आपको आप मनी जनरेट करना चाहते हैं, जो कि बाय द वे ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपने मेनस्ट्रीम मीडिया से कितनी जनरेट की है, जो आपके बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं। तो और दूसरी बात ये कि आप फ्री स्पीच पे कदगन लगाने जा रहे हैं कि वो सहाफी जिनके पास मेनस्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं है या वो नई जनरेशन जो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहां पर तो आजादी है, वहां पर कैसे कदगन लगाई जा सकती है? बिल्कुल। बहुत शुक्रिया निगत दत्त साहब, साथ आप मौजूद थे इस सिलसिले में हम गुफ्तगू कर रहे। एक बार फिर ये बहस हुई कि डिजिटल मीडिया रेगुलेट होना चाहिए, उसके लिए वर्किंग पेपर भी आया, लेकिन उस पर सवाल उठे और जब अरकीन कमेटी की राय सामने आई तो फिलहाल इस मामले को मौखर कर दिया गया। लेकिन कब तक देखा तो हमने ये है ना, ये कब तक वाली बात मौखर करते हैं फिर उसके बाद वही कर देते हैं, एक बार डिसाइड कर लें प्लीज, और बहुत से इश्यूज जिन पर डिस्कशन बहुत जरूरी होती है। एनीवेज हमें बढ़ना है ब्रेक की तरफ, विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज पूरी कौम इंतजार कर रही है कि काबीना का इजलास होगा और उसके बाद क्या ऐलान होगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने किया था ट्वीट और कहा था कि काबीना के इजलास के बाद हम ऐलान करेंगे कि आवाम को रिलीफ देना है तो कैसे और देना है तो किन किन सेक्टर्स में। तो जनाब हम कोशिश कर लेते हैं, इस तोहफा जिसको हम समझते आए हैं कि तोहफा मिलने जा रहा है या ख्वाब था जो जिसकी ताबीर नहीं आने जा रही, हम इसी के ऊपर बात कर लेते हैं, थोड़ा आइडिया लेते हैं वाकई क्या कुछ होने जा रहा है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नया दिन। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे बताइए ना हमारे नाज़रीन को, वाकई कुछ अच्छा होने जा रहा है? वाकई ये जो हमारा किचन है इसमें जितने फूड आइटम्स थे सबके सब महंगे हुए जा रहे थे, कुछ कहीं कमी हो रही है? देखिए ये तो खैर एक पैकेज आ जाएगा और जो हमारा रिलीफ का एक पूरा पहले भी सिलसिला है वो जारी है, 300 अरब रुपए का एहसास प्रोग्राम है, यूटिलिटी स्टोर्स को 6 अरब रुपया पहले दिया है और अब ये फिर जो है आज इसमें मजीद इजाफा होगा, एक पूरा नया निज़ाम ला रहे हैं जिसमें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की एक कोऑपरेशन होगी, एक जॉइंट वेंचर होगा जिससे जो नौजवान हैं उनको इनक्रेज किया जाएगा कि वो स्टोर्स खोलें और उन स्टोर्स के ऊपर जो सस्ता हमारी एडिबल्स हैं, खाने पीने की जो बुनियादी चीज़ें हैं वो अवेलेबल होंगी, सस्ते दामों अवेलेबल होंगी। इसके अलावा भी पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता देखिए ये जो महंगाई है ये क्यों है, ये महंगाई बड़ी सिंपल है, आपने जो 2008 तक 1947 से लेके 2008 तक आपने 6 ट्रिलियन कर्जा लिया, 2008 से 2018 तक का जो 10 साल थे इसमें आपने 24 ट्रिलियन और कर्जा ले लिया, यानी आपका कर्जा 30 ट्रिलियन पे पहुंच गया। अब ये जो 24 ट्रिलियन कर्जा लिया है इसकी 2000 अरब रुपया आपने हर साल किस्त देनी है, इस साल आपने 3 ट्रिलियन रुपया यानी 3000 अरब रुपया देनी है। अब जब ये इतना ज्यादा बोझ होगा तो जाहिर है कि वो बोझ भी हर आदमी महसूस करेगा। हमारी कोशिश ये है
कि हम तकलीफ बर्दाश्त कर लें लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो आइंदा नस्लें हैं, वो सुख का सांस लें। लेकिन उन्होंने तो यही कहा है ना फवाद चौधरी साहब, वजीर आजम की बात जो हम लोगों ने थोड़ा सा समझी है, उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए मैं इसको कम करूंगा, हम इसको आप लोगों को रिलीफ देंगे। तो ये कुछ भी हो जाए वाली बातें ना, उसके आगे मुझे ये सब कुछ, ये चलिए इसको ऐसे देख लेते हैं कि एक आम आदमी को वो पुरानी वाली बात बिल्कुल याद रखने को दिल नहीं है, सब ये चाहते हैं कि रिलीफ हो। और वो सिर्फ और सिर्फ किचन के मामले में नहीं, वो जो बिल्स हमारे हाथ में आ जाते हैं तो सैलरी सारी छू करके तो वहाँ पर उड़ जाती है, लोग तो उसके ऊपर भी फोकस किए हुए कि हो सकता है इस सिलसिले में भी कुछ हो। देखिए बात यह है कि बिल जो है ना, मसला ये इतना सिंपल तो नहीं है ना। मसलन आज देखिए आपको गैस का बिल आपको डबल देना पड़ रहा है। आपको क्यों डबल देना पड़ रहा है? क्योंकि जो हमारी पिछली गवर्नमेंट थी वो एलएनजी का मुआहदा करके चले गए 15 साल का। अब दुनिया में जो गैस है वो आपको उससे तकरीबन डबल से भी ज्यादा प्राइस पे आप खरीद रहे हैं जितनी इस वक्त दुनिया में बिक रही है। जब आप पुरानी अपनी इन चीजों को, अपने इन बातों को मद्देनजर नहीं रखेंगे, इस किस्म के इररिस्पॉन्सिबल डिसीजंस होंगे तो फिर कीमत तो देनी पड़ती है ना। ये तो नहीं है, आपने एलएनजी का जिक्र किया, शायद खाकान अब्बासी साहब ने अभी 2-3 रोज कबल कहा कि मैं अभी भी ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूं कि कहीं पर भी इससे सस्ती नहीं है जो मुआहदा हमने किया था। वो कहते हैं मैं चैलेंज करता हूं, आप प्रूफ कर दें और आप भी ये बात कर रहे हैं, तो सर ये बातें अदालत में क्यों नहीं होती फिर, ये बातें प्रूफ क्यों नहीं होती? नहीं, वो ये तो नहीं कह रहे कि अब सस्ती नहीं है, वो कह रहे हैं कि जब हमने किया था उस वक्त उससे सस्ता नहीं था। वो सिर्फ झगड़ा उस वक्त ये है कि आप एक कीमत को 15 साल के लिए बाउंड कर गए। अब तो यहाँ पे तेल की जो कीमतें हैं, वो जो हालात जा रहे हैं, वो सबको पता था कि वो नीचे जाती जा रही है। और फिर दूसरी बात ये, देखिए अगर मैंने को मुआवजा करना है ना, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए कि मैं अपनी आइंदा की भी 2-3 हुकूमतों को या नस्लों को बाउंड कर जाऊँ। मैं अपने तक रहूँ जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये वैलिड पॉइंट है फवाद साहब। एक और बात पे मुझे प्लीज कमेंट कीजिए। खान साहब जब भी बात करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे पाकिस्तान के बाहर जाके बात करें, महंगाई से मुतालिक वो ये कहते हैं कि माफिया जिम्मेदार है। सर स्टार्टिंग फ्रॉम शुगर, मुझे बता दें कि कितने शुगर मिल्स हैं जिसमें पोलिटिकल पार्टीज के अपने बंदे हैं जिनकी शुगर मिल्स हैं, नॉट जस्ट PTI, तमाम पॉलिटिकल पार्टी। शुगर मिल तो पाकिस्तान में सारी लगाई ही पॉलिटिशियंस ने हैं, और यकीनी तौर के ऊपर उस वक्त पॉलिटिकल फेवर्स के तौर के ऊपर ही इसका लाइसेंस दिया गया था। चाहे उस वक्त जरदारी साहब हों या नवाज शरीफ हों, खुद नवाज शरीफ ने यह काम शुरू किया था। लिहाजा तमाम जो मिले हैं वो पॉलिटिशियंस के पास है और ब्लू आइट पॉलिटिशियंस के पास है। लेकिन ये जो क्राइसिस इस वक्त वीट का और शुगर का हुआ है वो कार्टलाइजेशन में हुआ है। उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने चूंकि बड़ी सख्ती से एक रिपोर्ट की थी, वो आज आ जाएगी, अगर आज नहीं आएगी तो अगले 2-3 दिन में आ जाएगी, वो सारी निशानदही। सर यानी मैं यूं समझूं कि शुगर मिल मालिकान माफिया का हिस्सा नहीं? इसमें फिलहाल जो है वो वीट की रिपोर्ट तो आ गई है, मुझे पता है शुगर के ऊपर अभी आई है या नहीं आई है। थोड़ी सी वीट की शेयर कर लें पॉइंटर्स हमारे साथ, माफिया लोकेट हो गया, एक्शन होगा अब? हाँ, नहीं नहीं, वीट के ऊपर उन्होंने बड़ी माइन्यूटली देखा है कौन कौन से जो कार्टल्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, और वो आइंदा 2-3 दिन में आपके सामने वो रिपोर्ट आ जाएगी वीट की। रिपोर्ट आने के बाद हम उम्मीद रखें कि आइंदा ऐसे मामला सामने नहीं आएगा, आइंदा आटे का बहरान नहीं होगा, आइंदा आटा महंगा नहीं होगा। नहीं, ये तो हर वक्त की बात है, तो रोजाना की स्ट्रगल है, ऐसी थोड़ी है कि एक दफा कर लेंगे तो अगले। इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना सर, आइंदा कोई करे ही ना। एक तो ये कि वाकई शुएब वाली बात, स्ट्रिक्ट एक्शन अगर आप मिसाल कायम करेंगे तो फिर आगे कोई करेगा नहीं। दूसरे ये कि प्लीज़ इसको भी ज़रा एड्रेस कीजिएगा। सब ये कहते हैं कि आप लोग माजी गिनवा देते हैं, लेकिन क्या 1.5 साल में, 1.5-2 साल में इतना भी नहीं हुआ कि हम इस बर्डन को इस तरह से ले कर ना चलते कि जी पिछले वाले लोग करके गए तो हमारे सामने ये सब कुछ आया है? नहीं, अब मैंने आपको बताया ना कि मसलन अगर पिछले वाले लोग आपकी गैस जो है वो दुनिया से डबल महंगी का मुआहदा कर जाए तो फिर जाहिर है कि पिछले वालों को रिमाइंड कराना तो जरूरी है ना आपको। इसी तरह से पिछले वाले अगर 24 ट्रिलियन कर्जा ले लें जो पाकिस्तान की तारीख का 3 गुना, तो फिर रिमाइंड कराना तो जरूरी है ना कि ये हालात किए हुए। और जहाँ पिछले साल की अगर आप बात है, ये बात ठीक है कि मीडिया के ऊपर हम ज्यादा नेगेटिविटी देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि 2019 पाकिस्तान की हालिया तारीख का सबसे पुरमन साल था।
हम ये नहीं देखते कि इतने सालों के बाद हमने क्रिकेट रिज्यूम कर ली, हम ये नहीं देखते कि इतने सालों के बाद PSL पाकिस्तान में आ रहा है, हम ये नहीं देख रहे एक साल में पाकिस्तान का टूरिज्म दुगने से भी ज्यादा हो गया। सो ये तो देखने की बात है कि हम अच्छी चीजें देख रहे हैं या बुरी चीजें। सर आप PSL के क्रेडिट दे दें माजी की हुकूमत को तो हम अच्छी चीजों का क्रेडिट आपको जरूर देंगे, लेकिन अगर सारा क्रेडिट आपका और सारे मिसाइल उनके बैग में जाएंगे फिर बात तो होगी नहीं। बात यह है कि कंटिन्यूटी होगी इसमें, मैं इसमें तो तमाम लोगों का, मैं अच्छी बातें तो पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ इसमें। आप किस तरह से, जाहिर है फौज का बहुत बड़ा रोल है, आप कुछ नोर नहीं कर सकते, उन्होंने जानों की हमारी पुलिस का रोल है, हमारे बाकी इदारों का रोल है, वो तो तमाम का है। मैं पाकिस्तान के लिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ थोड़ा सा ना मीडिया में हम नेगेटिविटी चूंकि ज्यादा फोकस करते हैं तो लगता है ज्यादा फोकस हुआ हुआ, बुरी सारी खबरें तो दे देते हैं फवाद चौधरी साहब। हम थैंक यू सो वेरी मच आप हमारे साथ थे, सारी की सारी बातें सारे सब, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि कम से कम आपने माना तो कि महंगाई हुई है। बाकी लोगों से काबीना के पूछे तो वो कहते हैं नहीं यूं नहीं ऐसा नहीं वैसा था, तो बहुत सारे मामला यूं नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं के तहत नहीं चल सकते, नहीं हो सकता, फिर सवाल करने पड़ते हैं और फिर तफसील के साथ बात करनी पड़ती है। बहरहाल आज एक ऐसा मामला है कि जिस पर हम तफसील के साथ ज़रूर बात करेंगे। हम आए रोज़ देखते हैं कि डॉग बाइट की वजह से कोई बच्चा कोई शख्स जो है वो बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया और किसी न किसी की जान चली गई, मल्टीपल सर्जरीज के बावजूद चली गई, नहीं बच सका। हमने इस तरह के दिल को दहला देने वाले कई वाक़यात देखे और इस सिलसिले में काम होना चाहिए, हमने इस पर भी बात की। एक ताज़ा वाक़या सामने आया, आज हम उसकी बात करते हैं। कराची का इलाका सरजानी टाउन, यहाँ कुत्तों ने एक बच्ची को शदीद ज़ख्मी किया है, तो इसी के ऊपर पहले आपको यासिर हुसैन की रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर उस पर बात करेंगे। इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है इंचार्ज शोबे इमरजेंसी जिन्ना हॉस्पिटल सीमी जमाली साहिबा ने। गुड मॉर्निंग सीमी जमाली साहिबा, गुज़श्ता चंद रोज के स्टैट्स आप शेयर कर सकती हैं हमारे साथ, जिन्ना हॉस्पिटल में कितने केसेस आए हैं, कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिन्ना हॉस्पिटल एक टर्शियरी केयर सेंटर है जहाँ पे सबसे पहली डॉग बाइट सेंटर जो है वो बनाया गया था, पूरे हुकूमत सिंध में सबसे पहला डॉग बाइट सेंटर जो था JPMC में था, और अब तक हम लाखों लोगों को इम्यूनाइज कर चुके हैं इस सेंटर में। अगर पिछले साल के स्टेटिस्टिक्स देखें तो 12,500 से ज्यादा पेशेंट्स लाए गए थे, और इस साल में फ्रॉम जनवरी से लेके 10 फरवरी तक 1300 मरीज लाए जा चुके हैं, जिनको के चार दफा 1300 जिनको चार दफा कम से कम वैक्सीनेट करते हैं और इम्यून ग्लोबुलिन भी देते हैं। अच्छा मैं आपको इसमें एक बात और भी बताना चाहती हूँ कि इसके अलावा ये मैं तस्दीक कर दूं पहले आपकी कि जो आपने जिस पेशेंट का जिक्र किया है उनको जिना हॉस्पिटल नहीं बल्कि इस बच्चे को NICH में ले जाया गया था अपासी शहीद, और वहां से इन्होंने NICH भेजा था, नॉट इन द JPMC। अच्छा और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमने इस साल में शुरू इब्तदा साल में 1 जनवरी को हमने पहला रेबीज का पेशेंट भी देखा था, और इस साल में अब तक 3 पेशेंट्स रेबीज फुल ब्लोन के साथ हमारे पास आ चुके हैं जिनकी के तीनों की डेथ हो गई। तो अब आप इसे अंदाजा लगाएं कि ये मेनेस कितना ज्यादा बढ़ गया है और स्ट्रे एनिमल्स की पॉपुलेशन की कितनी ज्यादा हो गई है जिसके अंदर अब उसको कंट्रोल करने के लिए कोई जरिया होना चाहिए। अच्छा ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ में जब जब ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं तब तब ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दी जाए। आप इस बात को दोहरा सकती हैं कि अगर किसी को कुत्ता काट ले फिर उसके बाद में उसको कितनी जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसको अपने आप को चेक कराना चाहिए या अपने फैमिली मेंबर को प्लीज ये बता दें। सबसे पहले तो जहाँ पे भी कुत्ते ने काटा हो उसको साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लेना चाहिए और कम से कम 10-15 मिनट पानी से धोना चाहिए ताकि जख्म जो है अच्छी तरह वायरस से क्लियर हो जाए। उसके बाद किसी ऐसे तिब्बी मरकज में जाना चाहिए जहां पर के ये डॉग बाइट का ट्रीटमेंट भी अवेलेबल हो, जहां पे वैक्सीन और इम्यून ग्लोबुलिन दोनों अवेलेबल हो। इस वक्त कराची शहर में बिल्कुल JPMC में ये अवेलेबल है और इसके अलावा मेरे ख्याल में इंडस हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है, तो ये दोनों जगह हैं जहाँ पर आप ला सकते हैं। इसके आई एम नॉट श्योर के सिविल हॉस्पिटल में किस रफ्तार से अवेलेबल है, बट कुछ ना कुछ अवेलेबिलिटी जरूर होगी, तो इन अस्पतालों में लेके जाना चाहिए क्योंकि ये वैक्सीन और इम्यून ग्लोबुलिन दोनों जो है हर जगह पर अवेलेबल नहीं होती। और जब जब जानवर ये काट लेता है, रेबिट एनिमल अगर काट ले, देखिए हमारे पास तो ये तय करने के लिए कोई बात ही नहीं है कि कोई किसी तरह पता चले कि रेबिट एनिमल कौन सा था। जब रेबीज किसी जानवर को हो जाता है
तो वो उसके 6-7 दिन के अंदर अंदर जानवर खुद भी मर जाता है और बिफोर द एनिमल इज डेड वो बहुत सारे लोगों को काट लेता है ताकि उनको भी रेबीज हो सकता है. तो जितने लोग उसके रास्ते में आते हैं उनको वो काटता चला जाता है बिफोर ही डाइज. अच्छा, तो ये जो बात है इसका खास ख्याल रखने की जरूरत है. एनिमल खुद ब खुद ही मर जाता है क्योंकि उसको रेबीज जो है इट इज सो लीथल इट किल्स द एनिमल ऑल्सो. और इस मौके पर ये इसको इसको सीरियस ले सूबाई हुकूमत, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. और देखिए इसमें सिर्फ जो जो चीज हम कर सकते हैं वो प्रिवेंशन ही है क्योंकि एक दफा अगर किसी को रेबीज हो जाए तो इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता. तो आपको प्रिवेंशन ही करने की जरूरत है और प्रिवेंशन आपको कैसे करनी चाहिए वो इसी तरह हो सकती है कि आप वुंड का ट्रीटमेंट करें. आप किसी ऐसे अस्पताल में जाएं जहां आपको ट्रीटमेंट मिले, डॉग बाइट का इम्यून ग्लोबुलिन भी मिले और वैक्सीन भी मिले. आमतौर पे हमारे पास कैटेगरी 3 के पेशेंट्स आते हैं जिसमें आपको वैक्सीन और इम्यून ग्लोबुलिन दोनों देनी पड़ती है बॉडी वेट के हिसाब से मरीज के. सीमा साहब, सफिशिएंट वैक्सीन अवेलेबल है इस वक्त आपके पास? जी बिल्कुल, हमारे पास इस वक्त सफिशिएंट वैक्सीन है और थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ सिंध के उन्होंने हमें ये प्रोवाइड किए. और इसके अलावा हमारे पास इम्यून ग्लोबुलिन भी है. लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि थोड़े दिनों में वैक्सीन की शॉर्टेज हो जाएगी. ओके. क्योंकि जिस रफ्तार से कुत्ते काट रहे हैं आप देखें 1300 लोगों को काट लिया है कुत्तों ने. तो अब आप इससे अंदाजा कर लें कि ये तो एक अस्पताल की मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता रही हूँ और इनको 4 दफा वैक्सीनेट होना पड़ता है. तो अब आप बताइए कि कितने दिन ये लास्ट कर सकती है. सीमित सर, बता सकती हैं जितनी वैक्सीन अभी अवेलेबल है आपके पास और जिस रफ्तार से पेशेंट्स आ रहे हैं कितने दिन तक मसला नहीं और कितने दिन बाद हम समझें कि वैक्सीन शॉर्ट हो जाएगी? देखिए हम तो प्रोक्योर करते ही रहते हैं, टाइम टू टाइम हमें प्रोक्योर करनी पड़ती है क्योंकि हमारे पास एक वक्त में अच्छा स्टॉक होता है कि हम महीना तक लास्ट कर लें. लेकिन महीने के बाद फिर जो है वी हैव टू बिफोर द वैक्सीन ऑर्डर हैज एक्सपायर्ड हमें उससे पहले ही वैक्सीन को प्रोक्योर कर लेना पड़ता है ताकि लोगों की कंटिन्यूटी रहे वैक्सीनेशन की. क्योंकि अगर कंटिन्यूटी नहीं रहती तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है. ओके. और थोड़ा सा वैक्सीनेशन से मुताल्लिक ये भी बताइएगा कि ज़रा आप इस सब्जेक्ट पे खासी आपकी कमांड भी है, कितने दूर से पेशेंट आपके पास आए तो आपको लगता है कि अच्छा ये सेफ. फॉर एग्जांपल कराची से बाहर से अगर कोई केस आपके पास आता है तो आपको लगता है कि हाँ यू कैन ट्रीट दैट. और अगर उससे दूर हो जाए इतना ड्यूरेशन हो जाए या इतना वक्त लग जाए कि आपको लगे कि नहीं. हर वक्त कराची से बाहर से पेशेंट्स आते रहते हैं, ठट्ठा बदीन इंटीरियर सिंध इधर से आते रहते हैं पेशेंट्स. जो पेशेंट्स यहाँ पर आराम से रह सकते हैं उनको तो हम बिल्कुल वैक्सीनेट करते हैं और महीना लाइक 28 डेज का तो स्केड्यूल होता ही होता है इनका. लेकिन अगर जो लोग बाहर से आते हैं और उनको वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर उनको हम यहाँ पर तो लगा देते हैं लेकिन फिर हम उनको बता देते हैं कि किस तरह लगानी चाहिए. और क्योंकि हम वैक्सीन उनके साथ तो भेज नहीं सकते तो बेहतर यही होता है कि अस्पताल में ही लगवाएं. तो लोगों के पास कोई ना कोई रिश्तेदार वगैरह होते हैं जिसमें रह जाएं या फिर ये कि लोग जो है अपने इलाके के अस्पतालों से जहाँ पे जैसे नवाबशाह ठट्ठा वगैरह से आते हैं तो वहाँ पे अपने इलाके से लगवाएं वैक्सीन. हम उनको तरीकाकार जरूर बता देते हैं और इनिशियल डोजेज जो हमारे पास आते हैं जिसके उसमें हम लगा देते हैं और स्केड्यूल बना के दे देते हैं. थैंक यू सो वेरी मच सीमा जमाली साहब, आप हमारे साथ ही इस सिलसिले में बात कर रही थी. अलार्मिंग है जो फिगर्स सामने आ रहे हैं डॉग बाइट के और बहुत अलार्मिंग है कि इस सिलसिले में काम भी नहीं किया जा रहा, इस सिलसिले में इस पर काबू पाने के लिए इनको देखा भी नहीं जा रहा. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, हमने इसके ऊपर बात की. हम आज के दिन के हवाले से भी बात कर लेते हैं, आज के दिन की मुनासिबत से भी बात कर लेते हैं. हमें एक ब्रेक लेनी है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे दीगर मौजूद बाकी. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. वजीर अला सिंध मुराद अली शाह की बात करते हैं जिन्होंने बल्दिया टाउन में बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाने के बाद जब अचानक सिंध सेक्रेटेरिएट पहुंचे तो उस पर खबर यह है कि वड्डे साईं को देखकर सब हक्का बक्का रह गए. हाँ जी, कल ये सब कुछ हुआ था, बड़ा अहम ये नज़ारा है. और ज़रा देखिए तो सही किस तरह से वो इंस्पेक्शन के लिए पहुँचे. वैसे आप लोगों के आस पास ना एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं. हाँ तो देखने भी चाहिए कि आस पास हुआ क्या है. बल्दिया टाउन में पोलियो मुहिम के बाद वजीरे आला सिंध को जाना तो था वापस सीएम हाउस, मगर यू टर्न ले लिया और सीधे पहुंचे वुजरा और सेक्रेटरीज के दफातर सिंध सेक्रेटेरिएट. पहले तो पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिलें देखकर हैरान हो गए. वड्डे साईं को देखकर आंखें खुली रह गईं.
अब इशारा कहीं और था और जुबा किसी और की थी। चना साहब के रूम में स्क्रैचेस हैं तो हम आपको चना साहब के रूम में बड्डे साईं की घड़ी 10 बजा रही थी। अफसरान तो आए नहीं, मुलाजमीन के चेहरों पर 12 बज चुके थे। हर सेक्रेटरी का पीएस अपने ऑफिसर को बचाने में लगा था। सेक्रेटरी साहब कहाँ हैं अभी? आपसे बात मिली थी? एक मुलाजिम ने तो हद कर दी, वड्डे साई को चकरा दिया। पूछने पर बताया कि सेक्रेटरी लेबर लाड़काना गए हैं। अभी बात हुई थी कि सामने से सेक्रेटरी लेबर रशीद सोलंगी चले आए। वड्डे साई देखकर हैरान हो गए। ये सब देखकर वड्डे साई को गुस्सा आ गया। पूछा बाकी कहाँ है? वजीर आला सिंध ने साफ कहा, वजीर हो सेक्रेटरी या पीएस, जो 10 बजे तक नहीं आएगा उसे फारिग कर दिया जाएगा। ये तो कल का ये छापा, इसका कुछ असर पड़ा कि नहीं? क्या वजीर आला सिंध के अहकाम पर अमल दरामद हुआ? क्या सिंध सेक्रेटेरिएट में अफसरान 10 बजे ड्यूटी पर हाजिर हुए? देर से आएंगे तो घर जाएंगे, क्या ऐसा होगा? ये चन्ना साहब के बारे में भी पूछ लेते हैं। चन्ना साहब के बारे में पूछ रहे हैं, आज की बाकी लड़का चले तो नहीं गए छुट्टी ले लू के? संजय साधवानी में ज्वाइन कर चुके हैं। संजय जरा बताएं ये चन्ना साहब आज हैं और इसके अलावा बाकी सब भी जो चुन चुन के रखे होते हैं अफसरान, वो किधर है? जी बिल्कुल, आज काफी हाजिरी जो है वो बेहतर हुई है गुज़िश्ता रोज़, जब वज़ीर आला सिंध ने अचानक यहाँ का दौरा किया और जिसके बाद मुख्तलिफ सेक्रेटरीज की उन्होंने खुद क्लास ली। जो उन्हें सामने नज़र आया उनको कहा आप क्यों वक्त पर नहीं आते, जब आप अफसरान वक्त पर नहीं आएंगे तो अमला का खाक आएगा वक्त पर। जिसके बाद आज जो अमले की बसें थीं वो वक्त पर पहुंची, 9 बजे जो है वो अमला सिंध सेक्रेटरीट के अंदर पहुँच चुका था। अगर सेक्रेटरीज की बात करें तो इससे पहले सेक्रेटरी लाडले 11 से 12 बजे के दरमियान आते थे, जब कभी उनसे पूछताछ होती थी तो कुछ बहाने बता दिए जाते थे। कभी कहा जाता था कोर्ट गए, कभी कहा जाता था फलाम मीटिंग में थे, कभी किस लेट हुए, मगर आज वो सेक्रेटरी टाइम पर जो है वो सिंध सेक्रेटरीट पहुंचे हैं। 10 बजे जो है वो कल गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला ने दौरा किया था, जिसके बाद सेक्रेटरी जो है वो उनकी जानिब से एक सर्कुलर जारी किया गया। सेक्रेटरी के तमाम जो सर्विस जनरल सेक्रेटरी ने तमाम सेक्रेटरी को वो मरासला हड़ताल किया कि वज़ीर आला ने सख्ती से हिदायत दी है कि अगर आप नहीं आएंगे, आप टाइम पर नहीं आएंगे, टाइम की पाबंदी नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। इससे जो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह हैं वो खुद क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाते हैं, उन्होंने कल जो है वो जाते जाते ये भी कहा था कि मैं ये दौरे बंद नहीं करूंगा, अचानक छापे मारने का सिलसिला जारी रहेगा। जी अच्छा एक बात बता दें, ये खुश खुश आए या मुंह लटके हुए, क्या देखा आपने? देखिए बहुत सारे ऐसे सेक्रेटरीज हैं जो आ गए हैं अपने दफ्तर इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि इससे पहले माजी में ये होता रहा है, मेरा कैमरामैन अगर कामरान उद्दीन आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं सामने एंट्रेंस गेट है, वहाँ पर जो आवाम है उसकी एंट्री 11 बजे से के बाद की जाती थी। 11 बजे से पहले अगर कोई आता था तो उसे कहा जाता था आप इस वक्त अंदर नहीं दाखिल हो सकते, मगर क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला ने दौरा किया है, इसकी सख्त खिंचाई की है, तो आज आवाम को भी सुबह 9 बजे के बाद जो है सेक्रेटरी के अंदर जाने दिया जा रहा है। तो असर जरूर हुआ है, मगर माजी में भी वज़ीर आला इस तरह दौरे करते रहे, कुछ दिन उनके आफ्टर शॉक रहते हैं जिसके बाद दोबारा वही सिलसिला शुरू हो जाता है। और अब देखते हैं कि क्या होता है, अब देखते हैं सिलसिले में क्या होता है। दूसरी ये कि मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ ये ना देखने को मिले कहीं। संजय बहुत शुक्रिया, आप इस सिलसिले में अपडेट कर रहे थे। अच्छा ये थोड़ा सा इन्होंने हमें पिछाया था, मंजर भी दिखाया था और ये कहा था कि जी पहले ये होता था कि जब आम लोग आते हैं तो फिर उसके बाद में क्या होता है, उनको 11 बजे तक जो है ना वो कहा जाता था कि अभी साहब लोग नहीं आए, जब आएंगे तो आप भी आइएगा। और ये कितनी इंटरेस्टिंग बात संजय बता रहे थे। आई विश कि संजय अगर साथ हो तो हम उनसे मजीद इस पर बात भी करें। संजय क्या हमारे साथ हैं अभी? शुक्रिया वापस लेती हूँ। चले संजय आप जी, बिल्कुल जी चले सर साथ मौजूद। संजय जिस तरह पहले भी बता रहे थे हमें कि जो आवाम का यहाँ पर रश होता था, जिन्होंने अंदर जाना होता था अपने कामों के सिलसिले में, मुलाकात जिनकी होती थी तय होती थी, वो सुबह सवेरे यहाँ पहुँचते थे, लंबी कतार बना के खड़े होते थे, जाने नहीं दिया जाता था उनको अंदर,
अब पहुंचे टाइम पर। ये आपने जरा कवर किया है सेक्रेटेरिएट को भी, मुझे जरा बताएं कि कब से ये मामले इतने खराब थे, क्योंकि पहले भी तो पीपल्स पार्टी ही थी। देखिए सेक्रेटेरिएट के अंदर मुख्तलिफ माफियाज काम करती हैं। अगर सिंध के किसी भी इजला में कोई उसादा ट्रांसफर हो, कोई डॉक्टर मुअत्तल हो, या फिर किसी को बहाली करवानी हो, तमाम दफातर यहाँ है, महकमा दाखिला, महकमा एजुकेशन, माइंस, मिनरल, अब महकमा लेबर, जिन महकमों के मैं नाम ले रहा हूँ इनमें से कोई सेक्रेटरी कल जो है वक्त पर मौजूद नहीं था। महकमा बल्दिया समेत दीगर जो महकमे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पूरे सिंध से उनके मुलाजिम आते हैं, कराची के कोने कोने से यहाँ पर लोग आते हैं अपने मसाइल लेकर। जो सामने गेट है और ये इस तरह सिंध सेक्रेटरी के दाखिल दो रास्ते हैं, एक ये यहाँ पर एंट्रेंस है, ये गाड़ियों की एंट्रेंस है, दूसरा कबूतर अगर आपको सिंध सेक्रेटरी के अंदर दाखिल होना है तो आना पड़ता है। तो उन जगहों पर जो है वो माफियाज के लोग बैठे होते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आवाम को मना करते हैं कि 11 बजे से पहले पहले, लेकिन अब एटलीस्ट कुछ दिन मना नहीं कर सकेंगे, कुछ दिन मना नहीं कर सकेंगे। लेकिन जिस तरह किरण ने भी कहा ना, वाकई ये सारे रवैये की बात है, इसको तब्दील होना बहुत जरूरी है। वो चाहे फिर वजीर अला सिंध के विजिट से हो या कि ना विजिट से, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। संजय बहुत शुक्रिया, साथ आप मौजूद थे, हौसले में हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आ रही है कोर्ट से एक अहम खबर, सूबाई वज़रा की जराइम पेशा नासिर की मुबैना सरपरस्ती से मुतालिक एक केस है जिसकी समाअत हुई है सिंध हाई कोर्ट में। दौरान समाअत अदालत ने सिंध हुकूमत, इम्तियाज शेख, सईद गनी और SSP शिकारपुर डॉक्टर रिजवान को नोटिसेस जारी किए हैं। इसी पर बात करेंगे, इरफान उल हक ने हमें ज्वाइन किया है। इरफान, कुछ नाम हमने बताए हैं, किस किस को नोटिस जारी हुए हैं? मामला सारा बना क्या था, ये भी कोशिश करेंगे इरफान से सिलसिले में बात कर सके। अहम मामला है जनाब ये, सूबाई वज़रा जराइम पेशा अनासिर की मुबैना सरपरस्ती से मुतालिक ये केस, ये दरख्वास्त, इसके ऊपर ही समाअत हुई और वो भी हुई सिंध हाई कोर्ट में। तो इरफान बताइएगा, दौरान समाअत अदालत ने क्या कुछ पूछा, क्या कुछ कहा गया? देखिए किरण, समाअत के दौरान अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया कि इस हवाले से आप क्या कहते हैं। तो उनका ये कहना था कि जब मुतल्लिका पुलिस अफसर यानी कि SSP शिकारपुर डॉक्टर रिजवान का जब तबादला किया गया तो उन्होंने ये रिपोर्ट लीक कर दी जो कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। तहम जो सूबाई वज़रा को नाअहल करार देने का मामला है उसका अलग एक कानूनी तरीकेकार है, लिहाजा इस दरख्वास्त पर नोटिस न जारी किए जाएं। तहम अदालत सरकारी वकील के दलाइल से मुतमईन नहीं हुई और अदालत ने इब्तदाई समाअत के बाद नोटिस जारी किए हैं वो फरीकैन को यानी सिंध हुकूमत को, इम्तियाज शेख को जो सूबाई वजीर हैं, इसके अलावा सूबाई वजीर इत्तला सईद गनी को और SSP शिकारपुर डॉक्टर रिजवान को भी नोटिस जारी किया है। दरख्वास्त गुजार ने दावा किया है कि जो एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक सईद गनी के भाई और वो जराइम पेशा नासिर की सरपरस्ती करते हैं, इसके अलावा इम्तियाज शेख भी इसी तरह के इल्जाम की जद में हैं और उनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर जराइम पेशा नासिर की पुष्तराही की है। शिकारपुर में जराइम पेशा नासिर की वो न सिर्फ पुष्तराही करते हैं बल्कि जराइम के खिलाफ जो कार्रवाई होती है उसे भी रोकने की कोशिश करते हैं। और दोनों वज़रा को न सिर्फ नाअहल करार दिया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए और इस हवाले से एक आला सतही GIT तश्कील दी जाए। अदालत ने नोटिस जारी किए हैं और हिदायत की है कि आइंदा समाअत पर। बहुत शुक्रिया इरफान, बहुत शुक्रिया, आप हमें अदालत से अपडेट कर रहे थे। अब बढ़ते हैं एक और टॉपिक की जानेब और वो है हेल्थ से जुड़ा हुआ, मौसम तब्दील हो, यस बच्चों की सेहत, मौसम तब्दील हो या तब्दील ना हो, आजकल जब भी बैठक में हम होते हैं इकट्ठे या कहीं बाहर भी फैमिलीज इकट्ठी होते हैं तो टॉपिक पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं होता, टॉपिक होता है कि अच्छा मेरा मुन्ना और मेरी मुन्नी इसकी तबीयत क्यों बिगड़ी, क्यों खराब है, क्या किया और क्या नहीं किया, कैसे दूर होगी, बेबी रात भर से खांस रहा है और उसकी वजह से माँ बाप की नींद भी समटाइम्स डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसीलिए ये भी होता है कि जब आपका बेबी आपकी गोद में है ना तो वो जो खरखराहट की जो आवाज़ है ब्रीदिंग के साथ साथ, ये पेरेंट्स को बहुत परेशान करती है। फिर अब इस सिलसिले में क्या हो सकता है, क्योंकि ये जो उम्र है ना 3 से 4 माह के छोटे छोटे पारे पारे बच्चे, बहुत इन पाले पाले बच्चों के बारे में आज हमें बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुकू खाका करते हो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, छोटा बच्चा प्रॉब्लम में, तो इसी सब के ऊपर बात करेंगे। हमने दावत दी चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनोखे खानम को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? आई एम फाइन थैंक यू। अब बताए ना हमें, ये जो 2-3 महीने का बेबी होता है छोटा वाला पाला वाला इसको कोई क्या दवा दे, क्या उसको खिलाए और ये सारे के सारी प्रॉब्लम्स कैसे दूर करें? अच्छा
पहली जो बात है कि जो 6 महीने के कम उम्र के बच्चे हैं ना, उनको माँ के दूध के अलावा कुछ और नहीं देनी चाहिए. नॉट इवन वाटर, नथिंग, जीरो. माँ का दूध सबसे बेहतर है, ठीक है. दूसरी बात आपको याद रखना है कि जो भी आप चीज़ माँ के दूध के अलावा देंगे ना, वो बस यही सोचो कि इसकी जो नोन एंड अननोन साइड इफ़ेक्ट्स हम एक्सपोज कर रहे हैं बच्चे को, नंबर वन. एंड नंबर टू, इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है. बच्चों में खांसी का सिरप नहीं देना चाहिए. ओके, उससे होता क्या है? कुछ नहीं. कुछ भी नहीं होता खांसी का सिरप से? कुछ नहीं होता. That's just a suppressant. नहीं, अगर कॉफ सप्रेसन देंगे ना, यू कैन स्टॉप योर चाइल्ड फ्रॉम ब्रीदिंग, दैट डेंजरस. तो बच्चों में कोडीन नहीं देते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में हमारी खांसी की सिर्फ कोडीन होती थी ना, और हम भी 20 साल पहले इस्तेमाल करते थे, बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते थे. रात को देते थे, बच्चे अच्छी तरीके से सोते थे, हम बहुत खुश होते थे, और फिर सो रहे. हाँ, मगर इससे, दिस इज़ वेयर एविडेंस बेस्ड मेडिकल प्रैक्टिस कम्स इन. इसका मतलब है हम आजकल जो भी चीज़ें बच्चों के साथ करते हैं या देते हैं, ये रिसर्च बेस्ड है. इसका मतलब है कि अगर रिसर्च ने सफिशिएंट एविडेंस नहीं दिया है कि ये काम करता है विदाउट रिस्क और विथ रिड्यूस्ड रिस्क, डोंट यूज़ इट. तो हमें पता है, दुनिया में हमें पता है कि 6 साल के कम उम्र के बच्चे को कोई खांसी सिरप नहीं देना चाहिए, वो काम नहीं करते. UK में, US में, स्विट्जरलैंड में हम ये नहीं देते आजकल, बिल्कुल बंद. वो बताए ना, जो काम करे फिर क्या करे. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्रिवेंशन होती है, ठीक है. प्रिवेंशन में आपके बच्चे के टीके, आपके घर वाले के टीके, ठीक है. इसका मतलब है योर न्यूमोकोकल, सॉरी, योर पर्टुसिस वैक्सीन, ठीक है. आपको देखना कि सबके टीके अप टू डेट हैं, और फिर हर साल ये फ्लू वैक्सीन आती है, वो भी लगाना चाहिए. तो हो गया अक्टूबर में. हाँ, अक्टूबर में लगवानी चाहिए. 6 महीने के बच्चे के ऊपर पूरे घर में होना चाहिए, ठीक है. बड़ों को भी, बड़ों को भी, सबको. और फर्स्ट टाइम ट्वाइस एंड देन ईयरली. यस, वेरी गुड डॉक्टरशिप. जो बच्चे 8 साल के कम उम्र के होते हैं ना, अगर उनको कभी नहीं फ्लू की वैक्सीन लगी हुई है, तो आपको पहली दफ़ा 2 दफ़ा देना है, 4 हफ्ते बीच में छोड़ने के लिए बाद, और फिर उसके बाद फ्यूचर ईयर्स यू जस्ट नीड टू गिव इट वंस, ठीक है. दैट्स वन थिंग. नेक्स्ट प्रिवेंशन होती है हैंड वॉशिंग. लोग हैरान होते हैं कि ये सिर्फ एक आसान चीज़ करने के साथ आप अपने घर में अपने आप को बीमार होने से बचा सकते हैं. इज रियली इम्पॉर्टेंट. ये जो हैंड सैनिटाइजर्स है, दिस इज़ नॉट इनाफ. ये सफिशिएंट नहीं होती है. आपको हाथ पानी के नीचे डालना होता है 20 सेकंड्स के, 20 सेकंड्स साबुन से अच्छी तरह हाथ धो ले, और पानी के साथ. द वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ताकि अच्छी तरह बैक्टीरिया वायरस सब वॉश अवे. हाँ, ठीक है. जब आप हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप बस गंद हाथ में मसाज कर रहे हैं, ठीक है. ये जो डायरिया की जरासीम होती है, ये हैंड सैनिटाइजर ख़त्म नहीं होती है, और सारी वायरसेस हैंड सैनिटाइजर से ख़त्म नहीं होती है, सिर्फ हाथ धोने से होती है, ठीक है. दैट्स लाइक, दीज आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू स्टॉप द प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज. थर्ड थिंग इज विच इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट, कि जो 3 महीने के कम उम्र के बच्चे होते हैं ना, उनको बुखार नहीं होना चाहिए. ओके. अगर 3 महीने के कम उम्र के बच्चे को बुखार होते हैं ना, आपको फ़ौरन अस्पताल ले जाना चाहिए. स्पेशली वो जो 1 महीने से कम है, दैट इज़ नोन एज यू नीड टू ट्रीट इट एज सेप्सिस अनटिल प्रूवन अदरवाइज, ठीक है. ये बहुत ख़तरनाक टाइम पीरियड होती पहले 3 महीने, ठीक है. कि बुखार तो एक सिम्टम है. हाँ, रीजन वुड बी समथिंग एल्स. या बुखार का मतलब कुछ हो रहा है, ठीक है. फिर दूसरी सिम्टम जो होती है, ये फिर 3 महीने के बाद वी आर मच मोर रिलैक्स्ड, ठीक है. बुखार का मतलब है कि आपका जिस्म लड़ रहा है, उसको लड़ने दो, ठीक है. आपको फोकस बच्चे पर करना है, और नंबर पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है जो 3 महीने के ऊपर होते हैं. जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो प्रीडोमिनेंटली नेजल ब्रीदर्स होती है. इसका मतलब ये सिर्फ नाक से 7 सांस ले सकते हैं, मुंह से 7 नहीं, जैसे हम जो बड़े होते हैं, ठीक है. तो उनको जो नज़ला ज़ुकाम होती है ना, आपकी जो पहली काम है ये नाक को साफ रखना, सही करें, ठीक है. बच्चे को कोई नेजल डिकनजेस्टन नहीं देना चाहिए, नाक में कोई दवाई नहीं रखना चाहिए. सिर्फ
ये स्टेराइल वाटर की नमक नमक पानी सलाइन वाटर से नेबुलाइज एग्जैक्टली नॉट नेबुलाइज नहीं नेबुलाइज तो वो भी पुराना जमाना का हो गया घर पर हम आजकल नेबुलाइज नहीं करते अस्पताल में नेबुलाइज करते जो मैं बोल रही हूँ ना वो घर के बारे में बोल रहे हैं ठीक है आजकल हम नहीं करते ये नॉर्मल सेलाइन तो यूके में हमने कभी नहीं किया है स्विट्जरलैंड में कभी नहीं किया ये सिर्फ यहाँ पर होती है पाकिस्तान नहीं होती अब तो ये टोटका हाँ यूएस में भी नहीं होता ठीक है माय सिस्टर से पीडियाट्रिशियन थे मैंने उसके साथ भी बात किया था कि आप लोग ये करते हैं उन्होंने बोला नहीं हम नहीं करते ठीक है आपको क्या करना है बहुत आसानी चीज़ होती है नमक पानी सेलाइन नोज ड्रॉप्स जो छोटे छोटे मुने मुने जो बेबीज होते हैं ड्रॉप्स या स्प्रे जो 6 महीने के ऊपर वाले बच्चे और ये एक एस्पिरेटर होती है नेजल एस्पिरेटर तो पहले ड्रॉप्स या स्प्रे डालना 5 मिनट के बाद उसको खींचना है suck it out the snot yeah it's disgusting I know it's disgusting for baby it's very good और जब आप नाक साफ करते हैं ना तो बच्चे को सांस लेने में आसानी हो जाती है exactly. सबसे ज्यादा जो आप बोल रहे हैं ना खड़खर ये सब ये ऊपर से आती है इसलिए हम कहलाते हैं हम बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अरे वाह आधा डॉक्टर तो यहाँ पर बैठा हुआ है आमतौर पर ये जो वायरसेस होते हैं आमतौर पर वायरस ही होती है तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को अटैक करते हैं और जब ये नाक और जो पीछे जब सब बंद हो जाता है ना तो बच्चों को सांस लेने में मुश्किल भी हो जाती है ठीक है तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि नाक को साफ रखना ठीक है यू डू दैट एंड यू सी हाउ द चाइल्ड इज़ रिएक्टिंग ठीक है रेड फ्लैग्स मैं बोलती हूँ कि 99% जो बीमारियाँ होती हैं वायरस होती है आपको बस ख्याल रखना होता है कि रेड फ्लैग्स की ठीक है जो नज़ला खांसी के रेड फ्लैग्स होती हैं वो है नंबर वन जो छोटे छोटे बेबीज़ में होते हैं ना ये कैसे पी रहे हैं जैसे मैंने बोला है कि ना दिन प्रीडोमिनेंटली नेजल ब्रीदर्स ये सिर्फ नाक से सांस ले सकते हैं तो अगर नाक बंद है या उनको सांस लेने से मुश्किल हो रहे हैं ना तो ये सही से दूध नहीं पियेंगे ठीक है तो ये तो पहली वार्निंग साइन है कि अगर आपका बच्चा आधा से कम दूध ले रहा है तो आपको इसको अर्जेंटली डॉक्टर के पास ले जाना होगा ठीक है बिल्कुल लाइट नहीं ले नो डोंट टेक इट लाइटली अगर बुखार भी नहीं है मगर अगर वो नहीं पी रहा है तो उसकी न्यूट्रिशनल इज नॉट बीइंग कंप्लीटेड तो आपको ले जाना चाहिए नंबर टू ये जो छोटे बच्चे हैं ना ये हमसे ज़्यादा तेज़ सांस लेते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होती है ठीक है आराम में अगर आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे बहुत जल्दी सांस ले रहे हैं या इनके रिब्स के बीच में बहुत प्रोमिनेंट हो रहे सकिंग इन डिप्रेशन हो रही है तो दैट्स अनदर वार्निंग साइन इसका मतलब है आपको बच्चे को जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना चाहते हैं ठीक है इस उम्र के बच्चे में ये एक बीमारी होती है जो कहलाती है ब्रोंकोलाइटिस ये क्यों होती है क्योंकि इन उम्र के बच्चे इनकी एनाटॉमी जो होती है ना इनकी लंग्स थोड़ी सी सख्त होते हैं और लिटिल बिट हाइपर रिएक्टिंग ठीक है तो उसमें ज़्यादा म्यूकस भी फंस जाती है और फिर ये जैसी रैटल रेल्स इन विस्लिंग साउंड आती हैं जब हम सुनते हैं ठीक है दिस इज़ कॉल्ड ब्रोंकोलाइटिस अगेन इसके खिलाफ हम ज़्यादा नहीं कर सकते मैं हर वक्त पेरेंट्स को बोलती हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं वी नो रिसर्च हैज शोन आप कुछ भी नहीं कर सकते आपको बस देखना कि बच्चा सही से पी रहा है सही से सो रहा है आप सब लोग हाथ धो रहे हैं नाक साफ रख रहे हैं टीके लगा रहे हैं इसके ज़्यादा आप कुछ नहीं बस कर सकते प्रिवेंशन करें डोंट गो फॉर एंटीबायोटिक्स नहीं एंटीबायोटिक्स वो उस वक्त आती है जब व्हेन वी आर थिंकिंग कि ये कहीं कहाँ सेकेंडरी होंगी ना वो घर डॉक्टर्स नहीं नहीं एब्सोल्युटली नॉट विदाउट अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन एब्सोल्युटली नॉट और ये बहुत आजकल तो फॉर एग्जांपल हम रैपिड टेस्ट कर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली क्लिनिक में नहीं होती मगर यूके में हम वो रैपिड आरएसवी टेस्ट करते थे स्विट्जरलैंड में भी करते थे जब बच्चे आते थे ब्रोंकोलाइटिस के साथ हम वो करते थे और अगर पॉजिटिव था हमें पता है कि इसके बच्चे की सांस ज़्यादा जल्दी चलेगी उनको ऑक्सीजन मिलना होगा उनको हाइड्रेशन सपोर्ट मिलनी होगी और क्योंकि हमने देखा है कि आरएसवी ब्रोंकोलाइटिस है पॉजिटिव है हमें पता था इट डजंट मैटर हाउ सिक द चाइल्ड गॉट हम उनको एंटीबायोटिक नहीं देते थे ये टेस्ट यहाँ पे होता ही नहीं है
rapid test, I don't think we get it. Okay, I've not seen it. But maybe in the hospitals. Maybe in the hospitals they have it. But it should happen. And there are many practices that should happen in Pakistan. Otherwise, prevention is better than cure. Same thing with the influenza, rapid influenza. My sister... For all the viruses. Well, we don't have it for all the viruses. We don't have all the viruses. We don't have rapid tests. But if influenza virus, if my sister uses it, in the US, it's standard there that you do the rapid test. Or if you first 48 hours mein treat karte, if it's influenza positive, it helps shorten the illness. Okay. So there's a reason why we do these things. But this is going to complex. Basic thing is ye yaad rakhna hai ke as long as you're doing all the prevention, as long as you're keeping your child's nose clean, as long as jab tak aap dekh rahe hain ki aapke bacche sahi se doodh pee raha hai aur jo bade bacche sahi se khana kha rahe hain, aapko bas warning signs के बारे में जानना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए और अगर वार्निंग साइंस आ रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ये पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात याद रखें प्लीज अपने डॉक्टर्स को प्रेशराइज मत करें कि एंटीबायोटिक्स कब शुरू करेंगे क्योंकि फीवर एंड द वे योर चाइल्ड इज प्रेजेंटिंग ये नहीं डिटरमिन करेगा हाँ क्योंकि चंद वायरल इन्फेक्शन होती है जैसे मैंने बोला है ना आरएसवी ब्रोंकाइटिस वो बच्चे ऑक्सीजन में होती है और हम अंजी फीड भी दे रहे हैं मगर उनको हम एंटीबायोटिक्स नहीं देते क्योंकि हमें पता है कि इट्स वायरल एंड इट्स अ वेरी सीवियर वायरल इन्फेक्शन एग्जैक्टली बिल्कुल एक डॉक्टर को ही मालूम है किस बच्चे को क्या देना है बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आप साथ मौजूद थे इस सिलसिले में हम गुफ्तगू कर रहे थे अब जरा बढ़ते हैं क्विकली आगे कुछ टॉपिक अभी बाकी है कराची से टॉपिक है कि गुटके के फरोख्त पर यूं तो है पाबंदी आयद लेकिन क्या वाकई पाबंदी पर अमल दरामद भी हो रहा है क्योंकि गुज़श्ता रोज़ अदालत में एक बार फिर इस जहर की फरोख्त का मामला ज़ेर-ए-गौर आया और फिर कुछ रिमार्क्स भी सामने आए वो भी जानिए रिमार्क्स ये सामने आए कि शहर में गुटका खुलेआम फरोख्त हो रहा है ऐसा नहीं है कि सूरत हाल पर काबू पाया जा चुका है तो समा के नुमाइंदे यही देखने गए थे कि क्या वाकई ऐसा है गोलीमार समेत मुख्तलिफ इलाकों का उन्होंने विजिट किया फिर उन्होंने क्या मालूम इकट्ठा की यासिर हुसैन की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं देखा आपने कैसे कैसे तरीक़ों से ये सब कुछ हो रहा है गुटके की खुलेआम फरोख्त इसका इस्तेमाल ये सब कुछ जारी है कहीं कहीं एक्शन हुआ और उसका असर भी देखा गया लेकिन अगर कोई शख्स खुद से अपने आप को मौत के मुंह में अजियत की तरफ ले जाना चाहे मौत के मुंह में धकेलना चाहे तो ऐसे इंसान को आप कैसे रोक सकते हैं ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि एक इंसान खुद ये फैसला कर ले कि मुझे गुटका छालिया पान सुपारी वो सब कुछ जो मेरी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है ये तर्क करना है जब तक वो खुद ना सोचे हम ऐसे मनाजर देखते रहेंगे इसी पर सॉरी कितना आपकी बात कटी डॉक्टर सहर जावेद हमें ज्वाइन कर चुके हैं मैं चाहता हूँ हम डिस्कशन में उनको शामिल करते हैं न्यूट्रिशनिस्ट हैं आप बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा मैं चाहूँगा हम दो एस्पेक्ट्स पर बात कर पाए एक सुनने वालों को देखने वालों को एक बार फिर से हम जगाएं और बताएं कि कितना खतरनाक है ये और फिर जो एडिक्टेड हैं उनको कैसे इस एडिक्शन से हम निकाल सकते हैं तो पहले स्टार्ट करते हैं डॉक्टर साहिबा ये इसमें होता क्या क्या है और उससे हमारी बॉडी कितनी डिस्टर्ब होती है बॉडी पर क्या इम्पैक्ट होता है उसका अस्सलाम वालेकुम किरण और शोएब इट इज गुड टू सी यू बोथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि न्यूट्रिशनिस्ट होने के साथ साथ मैं एक डेंटिस्ट भी हूँ और मेरी जो पीएचडी की रिसर्च है
خاص طور پر وہ گٹکے پر اور گٹکے سے جو آپ کے پاس ڈیزیزز ہو جاتے ہیں اس پر ہے. تو میں آج بہت آئی واز ریئلی لکنگ فارورڈ ٹو ٹوڈیز ٹاپک اس کو ڈسکس کرنے کے لیے. گٹکے میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ گٹکے میں آپ کے پاس جو سبسٹینس ہوتا ہے جو ایڈکٹیو ہوتا ہے جس کو انگلش میں آپ ایریکا نٹ کہتے ہیں, یعنی وہ سیڈ جو ایریکا پلانٹ سے آتا ہے, آپ اس کو بیٹل نٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کو ایڈیبل تاکہ یہ ایزیلی کھایا جا سکے اس کو بیٹل لیوز میں لپیٹا جاتا ہے. اس کو ایز اے سائیکو ایکٹیو سبسٹینس یوز کیا جاتا ہے. سائیکو ایکٹیو سے آسان لفظوں میں مراد یہ کہ کھانے والے کو کیا فیلنگس دیتا ہے, فیلنگ آف الرٹنس, فیلنگ آف مینٹل اسٹیمولیشن جو آپ کو چائے سے آ جاتی ہے, تھوڑا سا یوفوریا اپنی ذات کے بارے میں اچھی فیلنگ, منہ میں تھوک کی پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے جس کو آپ انگلش میں سلائیویشن کہتے ہیں, جس کی وجہ سے کھانے کے ہاضمے میں بھی ہیلپ ہوتی ہے. جیسے کچھ لوگوں کو سگریٹ میں موجود نکوٹین کی وجہ سے کھانے کے بعد سگریٹ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ان کو کھانے کے ہاضمے میں مدد کرتا ہے. اب یہ جو اسٹیمولیشن آپ کو چائے سے ملتی ہے اور جو اسٹیمولیشن آپ کو گٹکے, ایریکا نٹ اور بیٹل نٹ سے ملتی ہے, اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہ اسٹیمولیشن آپ کے پاس جان لیوا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے شعیب میں آپ کے کوشچن کی طرف آ جاؤں گی, اس کے کانٹینٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں آپ کے پاس سیکورائڈس یعنی کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں, فیٹ ہوتا ہے, کروڈ فائبر ہوتا ہے, پولیفینولز ہوتے ہیں, ٹینینز ہوتے ہیں, کیٹچنز ہوتے ہیں, اور جو سائیکو ایکٹیو سبسٹینس ہے اس کو آپ کہتے ہیں الکلوئڈ. الکلوئڈ آپ کے پاس سب سے کم اماؤنٹ میں ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ ڈیزیز کازنگ ایجنٹ وہی ہے. مین الکلوئڈ جو اس میں آپ کے پاس ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ایریکا نٹ کا نام بھی آ جاتا ہے, اس کو آپ کہتے ہیں ایریکولین. ایریکولین جو ہے, آواز نہیں آ رہی مجھے, ایریکولین جو ہے آپ کے پاس وہ آپ کے تھوک کے انزائمس کی وجہ سے جس کمپاؤنڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے اس کو آپ ایریکاڈین کہتے ہیں. یہ ایریکاڈین ہماری باڈی میں انفلمیشن اور کینسر کازنگ کیمیکلس کی جو مقدار ہے, جو اس کی پروڈکشن ہے, اس کو بہت زیادہ کر دیتے ہیں. آواز مجھے نہیں آ رہی ہے, ابھی بھی نہیں آ رہی. چلیں آپ اپنی بات جاری رکھیں اف پاسبل, کیونکہ جو آپ کے پاس میں ساری کی ساری معلومات ہے, اور آج جو ہمارا موضوع ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پان, گٹکا, چھالیا, تمباکو اس کی ایڈکشن میں مبتلا ہے تو وہ یہ سب کچھ بہت غور سے سنیں. کس طرح سے آپ اپنے آپ کو بیمار کر رہے ہیں, روگی بنا رہے ہیں, کس طرح سے آپ اس بات کو لائٹ لے رہے ہیں کہ آپ کا کوئی فیملی ممبر, آپ کا کوئی پیارا بڑے آرام سے منہ میں گٹکا رکھ کے اور خاموشی سے ادھر اور اس طرح سے کر کے بات کر کے اور یوں کر کے نکل جاتا ہے, آپ دھیان بھی نہیں دیتے کہ وہ اپنے آپ کو کس اسٹیٹ میں لے کے جا رہا ہے. آج ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ اس کی فروخت کھلے عام, اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے, اس کو دیکھنا چاہیے, دوسرے یہ کہ جو اس کا استعمال کر رہے ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح سے ہم ان کو جگا سکیں, یہ احساس دلا سکیں یہ ایڈکشن بری ہے. کوئی بھی ایڈکشن اچھی نہیں ہوتی لیکن یہ تو خاص طور پہ اگر کہا جائے تو خطرناک ہے. اور صرف بات اتنی سی ہے کہ جو بھی ایڈکشن جس کو ہے, وہ آپ کا فیملی ممبر ہے, آپ کا دوست ہے, آپ کا کولیگ ہے, کوئی بھی ہے, اس کو بڑے پیار سے سمجھانے کی ضرورت ہے اور اسے اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ وہ جو کنزیوم کر رہا ہے اس سے اس کی جان کو تو خطرہ ہے لیکن اس سے جڑے جو بہت سے خوبصورت رشتے ہیں وہ بھی سٹیک پر ہیں. ماں, بہن, بیوی, بچے, سب جو اس سے جڑے ہوتے ہیں, ظاہر ہے وہ بھی تو ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, ڈسٹرب ہوتے ہیں بری طرح سے. دوسرے یہ کہ اگر آپ اپنی زندگی کے 10 سال 12 سال 15 سال اپنی اسی کسی ایڈکشن کی وجہ سے کم کر لیتے ہیں, بیمار ہو جاتے ہیں, تو دیکھیے جو صحیح آپ کیا کچھ مس کر رہے ہیں. اب آ رہی ہے آپ کو ڈاکٹر صاحب آواز؟ ہاں جی, اچھا جی آ رہی. اب بتائیے, کنٹینیو کریں, جتنی آپ نے گفتگو کی وہ تو ہم نے سنی, ہماری آواز اب تک بہرحال نہیں جا رہی تھی. کوئی بات نہیں, پلیز کنٹینیو. ہاں جی, آپ کے پاس جو دنیا کی مانی کینسر ریسرچ ایسوسی ایشن ہے, انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف ریسرچ آن کینسر, 1994 میں انہوں نے کہا کہ جو سگریٹ اور جو گٹکا ہے, جو ایریکا نٹ ہے, ان کی تاثیر ایک جیسی ہے کینسر کاز کرنے میں. لیکن 2004 میں انہوں نے بھی یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ایریکا نٹ جو ہے آپ کے پاس وہ گٹکے سے بہت آگے ہے آپ کے پاس کینسر کرنے میں. آپ جب یہ ایریکا نٹ لیتے ہیں اور آپ جب یہ لیتے چلے جاتے ہیں تو جو آپ کے منہ کے سیلز ہوتے ہیں, جو لوکل سیلز ہوتے ہیں, جس جگہ پر آپ اپنے بکل میوکوزا پر, گال والی جگہ پر آپ جتنی دیر اس کو رکھتے ہیں, اس کو چباتے ہیں, پہلے ان سیلز کی ڈیتھ شروع ہو جاتی ہے. ان سیلز کی ڈیتھ شروع ہو جاتی ہے اور وہاں پر جو ویسلز ہیں وہ سکڑنے شروع ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے شروع میں تو ایک تھوڑا سا فائدہ ہی ہوتا ہے. اب ظاہر ہے باڈی میں پرابلم ہوئی ہے, باڈی کے ڈیفینس سسٹم نے اس کے اگینسٹ لڑنا ہے. شروع سے تھوڑا فائدہ ہوتا ہے کہ انفیکشن وہاں سے اسپریڈ نہیں ہوتا, کیونکہ وہاں پر جو ویسکولیچر ہے, ویسلز ہیں, خون کی روانی ہے, وہ سکڑ گئی ہے.
थोड़ी देर बाद वहाँ पर, क्योंकि खून की रवानी सुकड़ गई है, वहाँ पर खून भी नहीं आ रहा, ऑक्सीजन भी नहीं आ रहा, तो वहाँ पर एक डेंजरस फैक्टर प्रोड्यूस होता है HIF-1, जिसको आप हाइपोक्सिया इंड्यूसेबल फैक्टर कहते हैं। ये हाइपोक्सिया इंड्यूसेबल फैक्टर क्या करता है, ये वहाँ पर वेसल्स की प्रोडक्शन तेज कर देता है। अब ब्लड वेसल्स की प्रोडक्शन कम नहीं, अब तेज है। अब जब ब्लड वेसल्स की प्रोडक्शन तेज हो जाती है तो वहां पर जितने भी इन्फ्लेमेशन और डिजीज कॉजिंग केमिकल्स थे उनका स्प्रेड भी, जिसको आप साइंटिफिक मेडिकल लैंग्वेज में मेटास्टेसिस कहते हैं, वो भी स्पीड अप हो जाता है। दूसरा, आपके पास ये जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको एक खसूसियत अदा करते हैं जिसको आप कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी से आपके पास उन सेल्स के पास क्या होता है कि उनमें अपने आप को रिन्यू करने की और उनमें अपने आप को इम्यून सेल्स के अगेंस्ट स्ट्रांग करने की जो काबिलियत है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो आपका कैंसर का स्प्रेड है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। आपके पास ये गुटखा खाने से कैंसर से पहले जो आपके पास डिजीज होती है उसमें पेशेंट को मुंह खोलने में प्रॉब्लम होती है, फाइब्रोटिक स्ट्रेची बैंड्स, वाइट बैंड्स मुंह पर बन जाते हैं। वो इसलिए बन जाते हैं क्योंकि ये जो गुटखा कॉज, जो गुटके में जो केमिकल प्रेजेंट होता है, जिस अल्कोलाइड की हम बात कर रहे हैं, ये आपके पास जो मुंह का टिश्यू है, जो प्रोटीन है कॉलेजिन, उसकी प्रोडक्शन इतनी ज्यादा कर देते हैं। हमारी बॉडी में जो भी सब्सटेंस बनता है उसकी प्रोडक्शन, उसकी डिग्रेडेशन, उसका बनना, उसका तोड़ना रेगुलेटेड है। जब ये बैलेंस तोड़ने की तरफ कम और बनने की तरफ ज्यादा हो जाएगा तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। वो प्रोटीन इतनी ज्यादा बनना शुरू हो जाती है कि शुरू शुरू में तो सिर्फ आपके पास थोड़े बहुत फंक्शंस में प्रॉब्लम होती है और बाद में जैसे जैसे आपके पास डिजीज का स्प्रेड होता जाता है तो वो खुदा ना खास्ता फिर कैंसर में तब्दील होता जाता है। हमारे पास साउथ ईस्ट एशिया में 35-40% तक, ये मैं बताना चाहती हूँ, जो कैंसर है वो मुंह का कैंसर है और उसमें से जो 18% आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एरिका नट का है, वो गुटके का है। ये इस कदर खतरनाक है हमारे पास। और ये कि कोई शख्स अगर गुटखा खा रहा है तो कितना टाइम उसको लगता है ये इन डिजीज की तरफ जाते हुए, नुकसानात की तरफ जाते हुए, और अगर कोई इसको तर्क करता है तो कितने दिनों में उसको फायदा होना शुरू हो जाता है, बेहतर होने लगता है वो? देखें, किसी भी लीजन, किसी भी ओरल लीजन, जिस तरह आज हम कैंसर की लीजन के बारे में बात करें, उसको बनने के लिए एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है, एपिथेलियल मेसेनकाइमल ट्रांजिशन, यानी एपिथेलियम मेसेनकाइम में गया, एक तरह का टिश्यू दूसरे तरह के टिश्यू में तब्दील हुआ, ठीक है। अब इसकी नौयत पर डिपेंड करता है कि क्या वो कैंसर से पहले वाली लीजन है या वो उससे भी पहले वाली लीजन है या वो वाली लीजन है, जिनकी ये क्रॉनिकली हैबिट होती है ओवर अ पीरियड ऑफ सर्टेन ईयर्स, ठीक है। उनमें तो जाहिर ये जो कैंसर की लीजन होती है, जो इसकी प्लास्टिक एक कंसिस्टेंसी होती है, जो एक ट्यूमर की प्लास्टिक कंसिस्टेंसी होती है, ये जो एरिका नट है ये उसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। ये एक टाइप के टिश्यू को दूसरे टाइप के टिश्यू में तब्दील कर देता है। अगर तो आपकी आदत चंद हफ्तों, महीनों, दिनों की है तो हाँ, इसका प्रोग्नोसिस से मुराद है कि इसका प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है, डिजीज से रिवर्सल हो सकता है। लेकिन अगर आपकी जो आदत है वो कुछ सालों की है और वो नजर आ जाती है, क्योंकि उसकी वजह से आपके फंक्शंस भी कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके फंक्शंस यानी खाना पीना, मुंह खोलना, बात करना, दांतों की सफाई करना, ये सब करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अब प्रोग्नोसिस भी डिफिकल्ट है और अब आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस, लैब रिपोर्ट्स और उसी तरह प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो इस आदत को जितनी जल्दी तर्क कर दिया जाए अच्छा है, क्योंकि ये जिस मेडिकल टर्मिनोलॉजी की मैंने अभी बात की है, चंद हफ्तों में गुटखा आपके मुंह के टिश्यू को एक तरफ से दूसरी तरफ में तब्दील करने की सलाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सहर, आप हमारे साथ ही इस सिलसिले में बात करेंगे। टॉपिक्स बस इतने ही नहीं थे, इसके अलावा भी हैं, तो हमें जल्दी से एक ब्रेक लेना होगा और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको और भी बहुत कुछ बताएंगे। वेलकम बैक, गो ग्रीन, ब्यूटीफुल ग्रीन। और हमारे नौजवान, पाकिस्तानी नौजवान, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। क्या बात है जनाब, क्या बात है। कोई मुकाबला हो ये जीत करना है मुमकिन नहीं है, और इतने ज़्यादा मेडल्स ले लेते हैं, इतने ज़्यादा, जिनको आज हम आपसे मिलवा रहे हैं ना, इन्होंने इतने मेडल्स ले लिए, अब जगह नहीं बची है, अब उसके आगे बिल्कुल जगह नहीं बची है। वो देखे तो सही, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जहां जाते हैं मेडल और ट्रॉफी लेकर आते हैं, और फिर होते हैं हमारे मेहमान इवन टाइम मैगजीन के, सॉरी पीपल मैगजीन, आई स्टैंड करेक्टेड, पीपल मैगजीन के कवर फोटो पे इनकी पिक्चर भी है, इस टाइम पीपल मैगजीन, यस। तो हमारे साथ मौजूद है, वी हैव सानिया आलम, और ये इनके बारे में जो इंट्रोडक्शन है ना, बड़े मजे का है कि सानिया जो है टोटल जो सीनियर लाइसेंस्ड पीपल है दुनिया भर में चार हैं, and she's one of them. Great. And we have Ima Alam. Welcome kahenge aapko. We have Shomi Alam and we have Sayyida Kissa Zahra. Bahut shukriya aap sabka.
आपसे पहले बात नहीं हमने करनी, हमने पहले इनसे बात करनी जो इस बार जो ना डिसेंबर में जीत कर आए हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम एमा, मुझे ये बताएं कि आप इस बार किस कैटेगरी में थी और आपने माइंड मैपिंग में थी, मेमोरी में थी, किस में थी? तो इतने ज्यादा आप कोर्सेज कराते हैं, हम भी परेशान हो जाते हैं, हमें नहीं करा रहे आप लोग, कोर्सेज अच्छी बात नहीं है ये। वो नेशनल कंपटीशन थे और इस बार हमने वर्ल्ड कंपटीशन में हिस्सा लिया जो कि साल के एंड में होता है, और माइंड मैपिंग कंपटीशन में 200 से ज़्यादा लोग थे। 200 से ज़्यादा लोग, यस, एंड जिसमें आई बिकेम द जूनियर वर्ल्ड माइंड मैपिंग चैम्पियन, और उसके अलावा माइंड मैपिंग के तीनों डिसिप्लिन में मैंने 3 गोल्ड मेडल्स जीते और 200 लोगों में से सिल्वर मेडल जीता। 200 लोगों में सिल्वर, यस, और उसके अलावा वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियनशिप में भी मैंने हिस्सा लिया जिसमें 500 से ज़्यादा लोग थे, और इसमें मैंने 10 डिसिप्लिन में से 1 डिसिप्लिन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इतने ज़्यादा मेडल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टू मेनी मेडल्स। आप हिम्मत करें काउंट करने की, मैं सिर्फ देख करके ना, बहुत सारे सारी बात है, क्या करें, इतना कुछ कैसे यहाँ पर लाएंगे। सो शो मी, आप किस कैटेगरी में थी? मैंने जो है वर्ल्ड माइंड मैपिंग चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया था, और उसमें जो है 3 डिसिप्लिन्स होते हैं, उसमें से एक में मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया इन एडल्ट कैटेगरी। और माइंड मैपिंग को मैं थोड़ा एलैबोरेट करूँ तो इट्स द आर्ट ऑफ समराइजिंग, जिसके ज़रिए जो है आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को मैनेज ये समझाइए, इसको उठा लीजिए प्लीज साथ, अब समझाइए जो आपने मैप बनाया है। आर्ट ऑफ समराइजिंग, वो थोड़ी, बहुत शुक्रिया। ये ओ लेवल की इकोनॉमिक्स है, राइट? यस, ओ लेवल की इकोनॉमिक्स है, और एक तरफ है बुक और एक तरफ है मैप, प्लीज एलैबोरेट। सो दिस इज 24 पेजेस ऑफ इकोनॉमिक्स की बुक, ओके, और इसके जो है नोट्स जो है एक पेज पे समराइज्ड है एज अ माइंड मैप। Okay. तो ये जो है एज आप देख सकते हैं, इट्स अ विजुअल लर्निंग टूल, जिस जो इसको देखते हुए जो है आपको ब्रेन इजीली इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है और सही टाइम पे उसको रिकॉल कर सकता है। मुश्किल मालूमात को आसान बनाया और उसके बाद में वो सब कुछ आपके जहन में महफूज हो गया, याद ये मैप आपने ना प्रिंट कर लिया। तो ये कितनी देर में बनता है एक मैप? वेरी इजीली, जैसे जैसे आप पढ़ें वैसे वैसे आप बनाते जाएं। okay. और एक किताब, अगर ये 24 पेजेस का है, आपके पास 100 पेजेस की किताब है, 200 पेजेस की किताब है, आपके 10-15 माइंड मैप बन गए, एंड देन यू डन। तो इन सब ने ऐसे एग्जाम्स दिए हैं। आप भी बताइए ना, इस बार क्या किया? कितनी मेहनत की? या हमारे हिसाब से आपने तो मेहनत ही नहीं की और यूं करके जीत गया। आपने एडल्ट कैटेगरी में सिल्वर मेडल लिया था आपने? मैंने वर्ल्ड स्पीड रीडिंग चैंपियनशिप में एडल्ट कैटेगरी में मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया था, एंड वर्ल्ड माइंड मैपिंग चैम्पियनशिप में मैंने ब्रॉन्ज एंड सिल्वर मेडल भी हासिल किया था इन वन ऑफ द डिसिप्लिन्स। और मैं स्पीड रीडिंग अगर एलैबोरेट करना चाहूँ कि एवरेज बंदा जो है 200 वर्ड्स पर मिनट पढ़ता है सिर्फ, और स्पीड रीडिंग कोर्स के ज़रिए हम जो 200 वर्ड्स पढ़ते हैं हम वो थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स पर मिनट पढ़ सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने बोला है ऑफिशियली कि एक लिटरेट बंदे को 400 वर्ड्स पर मिनट मिनिमम आना चाहिए, और तो हम स्पीड रीडिंग कोर्स के ज़रिए हम मोर देन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स पर मिनट पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसमें होता है कि आपको एक ऐसी किताब मिलती है जो कि अनपब्लिश्ड होती है और आप 100% उसे फौरन से पढ़ लेते हैं, और ऐसा तो नहीं है कि कोई ये सोचे कि आप वो तेज तेज पढ़ के सुनाएंगे वो सुनाएंगी नहीं, वो बुक पढ़ती है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं लेकर जाना, पहले पूरी ट्रेनिंग कराएं ताकि मैं भी एक आधा मेडल जीत कर आऊं ना। किरण, 30 आवर्स का कोर्स है एक बस स्पीड रीडिंग का। 30 आवर्स, दैट्स इट, वाओ। हमारे 30 आवर्स आपने इसका रंडम क्या है, 30 आवर्स का मतलब क्या है कि वीक डे में अगर आपने 3 घंटे दे दिए? जी, एक सेशन 3 घंटे का होता है, सो यानी सिर्फ 10 सेशंस। ओके, 3 घंटे आपने दिए एक वीक में, तो कितने सिर्फ इसी की बात हो रही है या बाकी कोर्स? माइंड मैपिंग, मेमोरी स्किल्स, स्पीड रीडिंग, जो तीनों कोर्सेज अभी मेंशन हुए हैं, 30 आवर्स ईच। लाइफ के 30 आवर्स निकाले तो इसका मतलब क्या हुआ ना, इसका मतलब ये आगे के लिए बहुत सहूलत। एग्जैक्टली, यही पूरा मकसद है कि 30 घंटे में आप एक ऐसी स्किल हासिल कर लें, सीख लें, जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो सकती है। ये सब कुछ बस 30 घंटे की बात है, 30 घंटे में तो अच्छी खासी मेहनत लगती होगी ना? लेकिन हम जिस तरीके से सिखाते हैं ना, वो इंसान के लिए बहुत नेचुरल लर्निंग तरीका है। okay. और हम, मैं इस बात को ही बोलूँगी कि हम आपको सिखाते नहीं, हम आपको ये बात बताते हैं कि कैसे अनलर्न करें वो सारी चीजें जो आपने इनकरेक्ट हैबिट्स करें। अनलर्न क्या है? इनकरेक्ट हैबिट, थोड़ा सा लोगों को समझाएं ना, इनके जैसे रोशन चेहरे और लोगों के भी हो इसलिए। ओके, तो बात यह है कि क्यों ये लोग तेजी से वो काम कर पाते हैं जो एवरेज बंदा नहीं कर पाता, चाहे वो याददाश्त हो, माइंड मैपिंग हो या स्पीड रीडिंग हो।
तो ऐसा नहीं है कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में आएंगे और हम कोई चमत्कार कर देंगे कि आप ओके अब आपको ये स्किल मिल गई है। हर इंसान इन सिलाइयतों के साथ पैदा होता है क्योंकि इंसान के पास दिमाग है एंड दिमाग दुनिया का मोस्ट फास्टेस्ट मशीन आई वुड से है। तो आपको हम क्या सिखाते हैं, हम ये बताते हैं कि कैसे जो अपनी लाइफ टाइम बचपन से लेके अब तक इनकरेक्ट लर्निंग हैबिट सीखे हुए हैं वो आप अनलर्न करें। तो जो बचता है वो नेचुरल आपकी स्पीडी सिलाइयत होती है। और ये जो आप लोगों की गुत्थियाँ उलझी हुई इसको यूं करके सुलझा देते हैं चुटकी बजा के बहुत सहूलत के साथ में बड़े प्यार के साथ में, कहीं कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं आ जाता जिसको आपको बार बार कहना पड़ता घबराना नहीं है, हमने तुम्हारी चीज़ आसान बना दी है, इस बात को थोड़ा सा समझ लो, होता है कभी ऐसे? हमारे पास ऐसा होता है, पिछले एक दो हफ्ते पहले हमारा स्पीड रीडिंग का कोर्स खत्म हुआ था, एक बैच खत्म हुआ था, तो उसमें जो है बिलो एवरेज से जो मैं इन्होंने बोला कि 200 की स्पीड एवरेज स्पीड है उससे भी कम की स्पीड के लोग आए थे हमारे पास। अच्छा, उनकी जब स्पीड बढ़ना शुरू हुई हजारों में गई तो वो शॉक हो गए कि ये कैसे। मैंने कहा आप खुश क्यों नहीं है कि आपकी स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन दोनों बढ़ गई है, 1700 हो गई थी उनकी स्पीड, तो वो शॉक में कि ये कैसे, ये इतना आसान कैसे। मैं तो सोचा था कुछ पहाड़ खोदने पड़ेंगे, कुछ करना पड़ेगा, तो वो ऐसे बहुत सारे आते हैं जिनको स्टोन था जो अनटर्न करना था। क्या बात है सनिया, मुझे ये बताएं कि आपके इंस्टीट्यूट में ज्यादा लोग आए और 30 आवर्स का कोर्स करें, बट व्हाई डोंट यू थिंक कि यही कोर्स आप लोग स्कूल्स में जाके या कॉलेज में जाके सिखाएं? हमारा एम ही यही है दो, कि पाकिस्तान के पूरे जो जितने भी एजुकेशन सिस्टम्स हैं उसमें हम ये सुपर लर्निंग की चीज़ें डाल दें और पाकिस्तान का हर प्रोफेशनल जो है इन स्किल्स को इस्तेमाल करें। और आपको लगता है कि स्कूल्स में हो और कॉलेज में हो और बच्चे पढ़ें तो इसके आपकी कितनी अच्छी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी कि आप फिर सारे फर्स्ट आ रहे होंगे? रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चों को किताब पकड़ाने से पहले ये सिलाइयतें पकड़ाएं। आप उनको ये किताब पकड़ा के और दो तीन लेक्चर दे के आप ये मत बोलें कि करो अब जो करना है एग्जाम जब आएगा तो आपने एग्जाम देना, अब जो जिस तरीके से भी आप एग्जाम देंगे वो आपके ऊपर है, आप उनको सिलाइयत तो देना। और मिनिमम एज क्या हो जो बच्चा आपके पास आए? 10 साल। हम 10 साल छोटे बच्चे थोड़ा सा वेट करें, बहुत शुक्रिया आप सब साथ मौजूद। मैं 10 साल से बड़े बच्चे को आपके पास भेजूंगी, थोड़ा सा ही बड़ा हूँ। थोला शाह बिल्कुल। थैंक यू सब लोग हमारे साथ थे, थोले से भले इस बात को हम ये पे छोड़ देते हैं। वक्त हो गया खत्म, आपसे होगी नए मौजूदात नए मेहमानों के साथ मुलाकात कल, रखिए अपना ख्याल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।